हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है दृश्यम टू तो थ्रिशियम टू फिल्म का जो हिंदी वर्जन है वो कौन से सैटेलाइट चैनल कौन से ओटीटी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगा उसके ऊपर हम बातचीत करने वाले इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्मिंग के ऊपर डिटेलिंग मिलेगी जहाँ पर मैं आपको बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का एक प्रोडिक्शन दूंगा इसके अलावा टीजर ट्रेलर सॉन्ग्स का एक रिव्यू करेंगे साथ ही में जो फिल्म का टीजर ट्रेलर है उसके ऊपर इस फिल्म की कहानी का अंदाजा लगाने वाले उसका

और वैसे 2013 और 2021 में दृश्यम वन और दृश्यम टू रिलीज़ हुई थी वो दोनों फिल्में मलयालम वर्जन की सबसे बड़ी हिट साबित हुई थी वैसे तो दृश्यम टू है वो डायरेक्ट ओटीटी पे रिलीज़ करवा दी गई थी मलयालम वर्जन में वहाँ पे उसको काफ़ी ज़्यादा एप्रिसिएशन मिला था उसके बाद में तेलुगु रीमेक बना उसके बाद में इस फिल्म का कन्नड़ा में भी रीमेक बना अब इस फिल्म का हिंदी में बन रहा है तो आप सोच सकते हो कि दृश्यम टू भी कितनी अच्छी फिल्म होगी जिसका इतनी सारी लैंग्वेज इसमें रीमेक बन चुका है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है अभिषेक पाठक ने जहाँ पे फिल्म की कहानी है उसका जो एडप्टेशन है वो किया हुआ है आमिल कियान खान ने स्क्रीन प्ले अभिषेक पाठक ने ही लिखा हुआ है जो स्टोरी थ्री ओरिजिनल वो जीतू जोसेफ़ की थी जीतू जोसेफ ने दृश्य वन ट्रू की कहानी और डिरेक्शन दोनों किया हुआ है मलयालम वर्जन के लिए और तेलुगु वर्जन के लिए इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है भूषण कुमार कुमार मंगत पाठक अभिषेक पाठक कृष्ण कुमार तो ये टोटल चार प्रोड्यूसर्स है जिन्होंने इस फिल्म को पेनोरमा स्टूडियो वाई कॉमेडी स्टूडियो और टी 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 सीरीज़ फिल्म के नीचे इस फिल्म को बनाया हुआ है तो इस फिल्म को एक अच्छे खासे बजट के साथ बनाया हुआ है जहां से पता चल रहा है कि इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाने वाली है पिनोरमा स्टूडियो तो एक बड़ा प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है तो इस फिल्म को एक अच्छे खासे रिलीज मिलने वाली है इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो अजय देवगन देखने को मिलेंगे जहाँ पे उन्होंने विजय सालगुनकर का रोल प्ले किया हुआ है जो एक मूवी थिएटर ओनर है और एक एस्पायरिंग फिल्म प्रोड्यूसर है वहीं पे टबू आपको इस फिल्म में मीरा देशमुख के रोल में दिखाई देंगी जो एक फॉर्मर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है जो सेम

जिन्होंने महेश देशमुख का रोल प्ले किया हुआ है जो मेरा के हस्बैंड है और सेम के फादर है नेहा जोशी और कमलेश सावंत ये भी आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे तो इस फिल्म के प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इन सभी किरदारों में काम किया हुआ है जहाँ पे इनका रोल फिल्म में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है इनके अलावा काफ़ी लंबी सपोर्टिंग कास्ट है जिनका आपको इस फिल्म के रिलीज़ के बाद पता चलेगा टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी की हुए सुधीर के चौधरी ने एडिटिंग किए हुए संदीप फ्रेंसिस ने म्यूजिक में देवी श्री प्रसाद का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों सुनने को मिलेंगे जहाँ पे इस फिल्म के जो म्यूजिक के राइट्स है वो पेनोरमा स्टूडियो ने अपने पास ही रखे हुए हैं जहाँ पे पेनोरमा म्यूज़िक के ऊपर इस फिल्म के गाने को अवेलेबल करवाया जाएगा और बिलेव प्लेटफॉर्म के ऊपर इस फिल्म के ऑडियो को आपको ऑफिशियल में सुनने को मिलेगा वहीं पे इस फिल्म को पेनोरमा स्टूडियो ही प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट करवा रही है जहाँ पे इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है अब हम बातचीत करें प्रोडक्शन के ऊपर तो दृश्यम टू का यानी कि दृश्यम का जो सिक्वल है दृश्यम टू उसके अनाउंसमेंट दृश्यम जो 2021 में आई थी 2021 में यानी कि दृश्यम टू आई थी मलयालम वर्जन की फिल्म वो जब सक्सेसफुल साबित हुई थी जहाँ पे वो 2013 का सिक्वल था तो उस फिल्म के सक्सेसफुल साबित होने के बाद फरवरी 2021 में एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई कि दृश्यम जो 2015 में हिंदी फिल्म है उसका सिकवल आने वाला है क्योंकि मलयालम तेलुगु वर्जन हिट हो चुके थे जिस वजह से फैसला लिया गया कि इसका हम हिंदी रीमेक बनाएंगे हिंदी राइट्स लेते हुए इस फिल्म को बनाने का फैसला लिया गया जहाँ पे ओरिजिनल जो 2015 की दृश्यम थी उसके डायरेक्टर थे निशिकांत कामंत लेकिन उनको कोविड नाइन्टीन की वजह से कुछ उनके बॉडी इश्यूज़ की वजह से उनकी डेथ हो चुकी थी जिसके चलते इस फिल्म का डायरेक्शन का कमान अभिषेक पाठक को दिया गया था उन्होंने इससे पहले एक फिल्म की हुई थी उजड़ा चमन उसके बाद उन किए दूसरी फिल्में वैसे उजड़ा चमन

बाईस तक पूरी तरह से कंप्लीट करवाया हुआ था हैदराबाद में तो हैदराबाद गोवा इसे अलग अलग लोकेशंस में इस फिल्म को शूट किया गया था और मुंबई भी था उसमें हैदराबाद मुंबई गोवा में इस फिल्म को मोस्ट ऑफ शूट किया गया था जहाँ से कम्पलीट करवाते हुए इस फिल्म को सेंसर करवाया गया उसके पहले पोस्ट प्रोडक्शन का, का काम करवाया गया जहाँ पे म्यूजिक मिक्सिंग डबिंग मास्टरिंग के ऊपर काम किया हुआ है और इस फिल्म के म्यूजिक के लिए साउथ इंडियन म्यूजिक डायरेक्टर देवी प्रसाद को हायर किया गया एक बेस्ट बीजेम के लिए और एक अच्छा खासा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स के लिए तो एक अच्छा फैसला लिया गया था क्योंकि वहाँ के जो म्यूज़िक होते हैं बीजेम होते वो काफ़ी तगड़ी होती है तो अब देखने वाली बात यह है कि इस वर्जन में उन सभी चीज़ों को वो किस तरह से भुना पाते हैं वैसे इस फिल्म का जो ट्रेलर आउट हुआ है वो वहीं से स्टार्ट हो रहा है जहाँ पे पहला पार्ट एंड हुआ था तो इस फिल्म की कहानी कंटिन्यू है अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसे जरूर देखेगा उसके बाद ये फिल्म देखने का मजा आएगा जहाँ पे दृश्यम टू की कहानी में सभी चीज़ों को एक्सटेंड किया गया है केस ओपन हो रहा है जो मर्डर केस हुआ था जिसमें विजय सालगोनकर की फैमिली इन्वॉल्व थी तो उन सभी चीज़ों के ऊपर फिर से एक बार केस हो रहा है जहाँ पे अक्षय कुम अक्षय खन्ना उस केस को टेक ओवर कर रहे हैं और उनको मदद करती हुई नजर आएगी आपको टबू तो इस तरह से इस फिल्म के केस को ओपन किया हुआ है तब बताया जाएगा कि इन सभी चीजों को किस तरह से किया हुआ था और इसके पीछे जो विजय सालगनकर की जो साजिश थी जिस तरह से उन्होंने उस बॉडी को छुपाया हुआ था तो क्या उनको वो ढूंढ पाएंगे इस केस के पीछे क्या रहस्य है उसको क्या वो पकड़ पाएंगे वो सभी चीजें पूरी तरह से इस फिल्म की कहानी बनाती है तो अब देखने वाली बात है कि इन सभी चीज़ों को क्लाइमेक्स में किस तरह से ख़त्म किया होगा वैसे तो रेशम टू अगर आपने मलयालम वर्जन की देखी होगी तो इस फिल्म के जो क्लाइमेक्स था उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ की गई थी और पूरी फिल्म को जिस तरह से हैंडल किया हुआ था उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ की गई थी कहानी की जो राइटिंग जो लिखी हुई थी उसको काफ़ी इंटेलिजेंट बताया गया था तो ये सभी चीज़ें इस फिल्म में सेम होने वाली रीमेक फिल्म में लेकिन कुछ एक्टर्स को डाला हुआ इंक्लूड किया हुआ है कुछ कैरेक्टर्स को तो थोड़ा स्क्रीन प्ले में आपको जिस देखने को जरूर मिलेगा अब वो कितना पॉजिटिव वे में जाता है वो इस फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा ट्रेलर टीजर जितना भी आउट हुआ है उससे एक अच्छी खासी वाइब आ रही है दृश्यम का जो वाइब था सेम वाइब आपको इस फिल्म में भी वो नज़र आएगी डिरेक्शन का, का काम अच्छा नज़र आ रहा है स्क्रीन प्ले है स्टोरी आइडिया वो अच्छा नज़र आ रहा है फिल्म की स्टार कास्ट की परफॉर्मेंसेज बढ़िया नज़र आ रही है जो कास्टिंग की हुई है वो परफेक्ट नज़र आ रही है इस फिल्म में जो प्रोडक्शन डिजाइन है प्रोडक्शन वैल्यू है काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है टॉप नोट नज़र आ रहे हैं म्यूजिक डिपार्टमेंट में बढ़िया काम नजर आ रहा है बीजेम अच्छा है इसके अलावा फिल्म की एडिटिंग के ऊपर अच्छा नजर आ रही है तो ओवरऑल एडिटिंग सिनेमेटोग्राफी टेक्निकल डिपार्टमेंट परफॉर्मेंस इस सभी चीज़ों में फिल्म काफी मजबूत नजर आ रही है अगर वो जो चेंजेस किए हुए वो सही जाते हैं तो ये फिल्म अच्छा स्योर शॉट ब्लॉकबस्टर होने वाली है वैसे फिल्म को 18 नवंबर 2022 को थिएटर में रिलीज करने का फैसला लिया हुआ है तो फिलहाल में तो दृश्यम टू से पहले अजय देवगन की फिल्म एक और आज आने वाली है जिसको दिवाली के मौके के ऊपर राम सेतु तो फिल्म के साथ रिलीज़ करने वाले हैं तो वो फिल्म जब एक बार रिलीज़ हो जाती है जो उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा उसके बाद इस फिल्म के ऊपर पता चलेगा कि ये फिल्म उनकी कैसी होने वाली है क्योंकि ये फिल्म के और उस फिल्म के बीच में एक मंथ का गैप है जहाँ पे जो थिंग गॉड फिल्म है जिसके बारे में अभी बात कर रहा था उस फिल्म का और इस फिल्म के बीच में एक मंथ का गैप थे वो फिल्म अलग जोनर की है फिल्म टोटली अलग जोनर की है तो बैक टू बैक दो महीने में आपको दो फिल्में देखने को मिलेगी अजय देवगन की और अब देखते हैं कि ये सभी फिल्में उनकी किस तरह से जाती है इससे अलावा इसके अलावा उन्होंने रीमेक राइट्स भी खरीदे रखे है जहाँ पर दृश्यम टू के अलावा उन्होंने केदी फिल्म के भी रीमेक राइट्स अपने पास रखे हुए हैं नांदी फिल्म के रीमेक राइट्स भी अजय देवगन के पास है जब देखने वाली बात उन सभी रिमोक रिमेक्स के ऊपर वो किस तरह से कितनी स्पीड में काम करवा पाते हैं इसके अलावा दृश्यम टू अठारह नवंबर 2022 को थिएटर में आ रही है लोगों की एक्साइटमेंट काफी बढ़िया है इस फिल्म के प्रति रिमेक फिल्म में लेकिन पॉजिटिव वाइब नजर आ रही है ऑडियंस का भी पॉजिटिव कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं तो देखते हैं कि यह फिल्म किस तरह की किस कदर की ओपनिंग लेती है जिस तरह से फिल्म का जो बस चल रहा है उस हिसाब से देखने को मिल रहा है कि ये फिल्म फिलहाल में जितनी कोविड के बाद फिल्में आई हुई है उसमें एक अच्छी खासी ओपनिंग ले सकती है सबसे बेहतर ओपनिंग ये फ़िल्म ले सकती है अब देखती है कि इन सभी चीज़ों के ऊपर कब तक का हमें क्लेरिफिकेशन मिलता है जब फिल्म रिलीज़ होगी तभी इसके अलावा इस फिल्म को अगर अच्छा वर्ड ऑफ माउथ मिला तो श्योर शॉट ये फिल्म करीबन ढाई करोड़ के आसपास का ग्रोस कलेक्शन कर सकती है वर्ल्ड वाइड तो अब देखने वाली बात यह है कि ये फिल्म किस तरह से जो चेंजेस के साथ दिखाई हुई है वह लोगों को पसंद आती है अगर पसंद आ गए तो ये श्योर शॉट दो सौ सौ करोड़ का कलेक्शन करेगी अदरवाइज़ ये फिल्म पचास से सत्तर करोड़ में निपट सकती है तो इस फिल्म के रिगार्डिंग इस तरह का ये सभी चीज़ें हो सकती है जितने भी एक्स्पेक्ट थे वो मैंने शेयर किए हुए इसके अलावा बाद में इस फिल्म को थिएट्रिकल रिलीज़ के दो ढाई महीने के बाद ओ टी प्रीमियर करवाया जाएगा थिएट्रिकल रिलीज़ के छः सात महीने के बाद सेटेलाइट के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा फिलहाल में ओ टी के ऊपर मेकर्स ने कोई अपडेट नहीं दी हुई है कि वो कौन से ओ और सेटेलाइट चैनल के ऊपर इस फिल्म को प्रीमियर करवाने वाले हैं लेकिन जो पहला पार्ट था उसको सेटेलाइट चैनल ओ के लिए स्टार नेटवर्क को बेचा हुआ था जहाँ पे स्टार गोल्ड के ऊपर इस फिल्म का जो पहला पार्ट है दृश्यम 2015 का उसको प्रीमियर करवाया हुआ था वहीं पे डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर दृश्यम को अवेलेबल किया हुआ है तो दृश्यम अगर आपको बिल्कुल फ्री में देखनी है तो डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर देखने को मिल जाएगी विदाउट सब्सक्रिप्शन और कुछ भी देना नहीं है बिल्कुल फ्री में विदाउट फिल्म पे देखने को मिलेगी वहीं पे उसका सेटेलाइट वर्जन है वो आपको टेलीविजन पे देखने को मिलेगा अब दृश्यम टू के राइट्स स्टार वालों ने खरीदे या कोई दूसरे दूसरे प्रोडक्शन कंपनीज ने खरीदे वो पता नहीं है अमेजोन प्राइम वीडियो शायद इस फिल्म के राइट्स खरीद सकती है अब देखते

और जो 2015 की दृश्यम है और ये जो दृश्यम टू है 2022 की ये दोनों फिल्में मलयालम फिल्म का रीमेक है दृश्यम टू मलयालम वर्जन में 2021 में बनी थी वहीं पे मलयालम जो ओरिजिनल वर्जन है उसका जो पहला पार्ट है दृश्यम वो 2013 में बना हुआ था सेम नाम के साथ हिंदी वर्जन में अजय देवगन को लीड रोल में लेते हुए इस फिल्म की कहानी को रीमेक किया गया था और वैसे 2013 और 2021 में दृश्यम वन और दृश्यम टू रिलीज़ हुई थी वो दोनों फिल्में मलयालम वर्जन की सबसे बड़ी हिट साबित हुई थी वैसे तो दृश्यम टू है वो डायरेक्ट ओटीटी पे रिलीज़ करवा दी गई थी मलयालम वर्जन में वहाँ पे उसको काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएसन मिला था उसके बाद में तेलुगू रीमेक बना उसके बाद में इस फिल्म का कन्नडा में भी रीमेक बना अब इस फिल्म का हिंदी में बन रहा है तो आप सोच सकते हो कि दृश्यम टू भी कितनी अच्छी फिल्म होगी जिसका इतनी सारी लैंग्वेज इसमें रीमेक बन चुका है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है अभिषेक पाठक ने जहाँ पे फिल्म की कहानी है उसका जो एडेप्टसन है वो किया हुआ है आमिल खान ने स्क्रीन प्ले अभिषेक पाठक ने ही लिखा हुआ है जो स्टोरी थ्री ओरिजिनल वो जीतू जोसेफ़ की थी जीतू जोसेफ ने दृश्य वन ड्रू की कहानी और डिरेक्शन दोनों किया हुआ है मलयालम वर्जन के लिए और तेलुगु वर्जन के लिए इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है भूषण कुमार कुमार मंगत पाठक अभिषेक पाठक कृष्णा कुमार तो ये टोटल चार प्रोड्यूसर्स है जिन्होंने इस फिल्म को पेनोरमा स्टूडियो वाई कॉमेडी स्टूडियो और टी 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 सीरीज फिल्म के नीचे इस

इसके अलावा श्रेया श्री ने नंदनी सालगोनकर का रोल प्ले किया हुआ है जो विजय की वाइफ है अंजू अन्नू की माँ है वहीं पे अक्षय खन्ना इस फिल्म में एक किरदार में देखने को मिलेंगे पुलिस ऑफिसर वाला किरदार है वो जो ओरिजिनल वर्जन में आपको देखने को नहीं मिलेगा ये रीमेक वाले वर्जन में डाला हुआ है वहीं पे इसी तादत्ता आपको अंजू सालगोनकर के रोल में दिखाई देंगी जो विजय और नंदनी की एल्डर डॉटर है मृणाल यादव ने इस फिल्म में अनु सालगोनकर का रोल प्ले किया हुआ है जो विजय और नंदनी की यंगर डॉटर है वहीं पे इस फिल्म में रजत कपूर देखने को मिलेंगे जिन्होंने महेश देशमुख का रोल प्ले किया हुआ है जो मेरा के हस्बैंड है और सेम के फादर है नेहा जोशी और कमलेश सावंत ये भी आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे तो इस फिल्म के प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इन सभी किरदारों में काम किया हुआ है जहाँ पे इनका रोल फिल्म में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इनके अलावा काफी लंबी सपोर्टिंग कास्ट है जिनका आपको इस फिल्म के रिलीज के बाद पता चलेगा टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी किए हुए सुधीर के चौधरी ने एडिटिंग किए हुए संदीप फ्रेंसिस ने म्यूजिक में देवी प्रसाद का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों सुनने को मिलेंगे जहाँ पे इस फिल्म के जो म्यूजिक के राइट्स है वो पेनोरमा स्टूडियो ने अपने पास ही रखे हुए हैं जहाँ पे पेनोरामा म्यूज़िक के ऊपर इस फिल्म के गाने को अवेलेबल करवाया जाएगा और बिलेव प्लेटफॉर्म के ऊपर इस फिल्म के ऑडियो को आपको ऑफिशियल में सुनने को मिलेगा वहीं पे इस फिल्म को पेनोरामा स्टूडियो ही प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट करवा रही है जहाँ पे इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है अब हम बातचीत करें प्रोडक्शन के ऊपर तो दृश्यम टू का यानी कि दृश्यम का जो सिक्वल है दृश्यम टू उसके अनाउंसमेंट दृश्यम जो 2021 में आई थी 2021 में यानी कि दृश्यम टू आई थी मलयालम वर्जन की फिल्म वो जब सक्सेसफुल साबित हुई थी जहाँ पे वो 2013 का सिक्वल था तो उस फिल्म के सक्सेसफुल साबित होने के बाद फरवरी 2021 में एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई कि दृश्यम जो 2015 में हिंदी फिल्म है उसका सिक्वल आने वाला है क्योंकि मलयालम तेलुगु वर्जन हिट हो चुके थे जिस वजह से फैसला लिया गया कि इसका हम हिंदी रीमेक बनाएंगे हिंदी राइट्स लेते हुए इस फिल्म को बनाने का फैसला लिया गया जहाँ पे ओरिजिनल जो 2015 की दृश्यम थी उसके डायरेक्टर थे निशिकांत कामंत लेकिन उनको कोविड 19 की वजह से कुछ उनके बॉडी इश्यूज़ की वजह से उनकी डेथ हो चुकी थी जिसके चलते इस फिल्म का डायरेक्शन का कमान अभिषेक पाठक को दिया गया था उन्होंने इससे पहले एक फिल्म की हुई थी उजड़ा चमन उसके बाद उनकी दूसरी फिल्में वैसे उजड़ा चमन कोई कंडा फिल्म की रिमेक थी इसके अलावा जो ये फिल्म में ये भी रिमेक ही है तो दो, दोनों उजड़ा चमन को अच्छी डिरेक्ट किया हुआ था कि स्टार्ट की गई थी सत्रह फरवरी दो को वहीं पर फिल्म का जो शूटिंग है ज्यादातर गोवा में किया हुआ है अक्षय खन्ना ने इस फिल्म के सेट को तीस अप्रैल दो को ज्वाइन किया हुआ था फिल्म की शूटिंग को इक्कीस जून दो

एक अच्छा फैसला लिया गया था क्योंकि वहाँ के जो म्यूजिक होते बीजीएम होते वो काफी तगड़ी होती है तो अब देखने वाली बात यह है कि इस वर्जन में उन सभी चीजों को वो किस तरह से भुना पाते हैं वैसे इस फिल्म का जो ट्रेलर आउट हुआ है वो वहीं से स्टार्ट हो रहा है जहाँ पे पहला पार्ट एंड हुआ था तो इस फिल्म की कहानी कंटिन्यू है अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसे जरूर देखेगा उसके बाद ये फिल्म देखने का मज़ा आएगा जहाँ पे दृश्यम टू की कहानी में सभी चीज़ों को एक्सटेंड किया गया है केस रीओपन हो रहा है जो मर्डर केस हुआ था जिसमें विजय सालगुनकर की फैमिली इन्वॉल्व थी तो उन सभी चीज़ों के ऊपर फिर से एक बार केस हो रहा है जहाँ पे अक्षय कुमार अक्षय खन्ना उस केस को टेक ओवर कर रहे हैं और उनको मदद करती हुई नजर आएगी आपको टबू तो इस तरह से इस फिल्म के केस को रीओपन किया हुआ है तब बताया जाएगा कि इन सभी चीज़ों को किस तरह से शो केस किया हुआ था और इसके पीछे जो विजय सालगनकर की जो साजिश थी जिस तरह से उन्होंने उस बॉडी को छुपाया हुआ था तो क्या उनको वो ढूंढ पाएंगे इस केस के पीछे क्या रहस्य है उसको क्या वो पकड़ पाएंगे वो सभी चीजें पूरी तरह से इस फिल्म की कहानी बनाती है तो अब देखने वाली बात है कि इन सभी चीज़ों को क्लाइमेक्स में किस तरह से खत्म किया होगा वैसे तो रिसेंट टू तो अगर आपने मलयालम वर्जन की देखी होगी तो इस फिल्म के जो क्लाइमेक्स था उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ की गई थी और पूरी फिल्म को जिस तरह से हैंडल किया हुआ था उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ की गई थी कहानी के तर, जो राइटिंग जो लिखी हुई थी उसको काफ़ी इंटेलिजेंट बताया गया था तो ये सभी चीज़ें इस फिल्म में सेम होने वाली रीमेक फिल्म में लेकिन कुछ एक्टर्स को डाला हुआ इंक्लूड किया हुआ है कुछ कैरेक्टर्स को तो थोड़ा स्क्रीन प्ले में आपको चेंजेस देखने को जरूर मिलेगा अब वो कितना टी वे में जाता है वो इस फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा ट्रेलर टीजर जितना भी आउट हुआ है उससे एक अच्छी खासी वाइब आ रही है दृश्यम का जो वाइब था सेम वाइब आपको इस फिल्म में भी वो नजर आएगी डायरेक्शन का काम अच्छा नज़र आ रहा है स्क्रीन प्ले है स्टोरी आइडिया वो अच्छा नज़र आ रहा है फिल्म की स्टार कास्ट की परफॉर्मेंसेज बढ़िया नज़र आ रही है जो कास्टिंग की हुई है वो परफेक्ट नजर आ रही है इस फिल्म में जो प्रोडक्शन डिजाइन है प्रोडक्शन वैल्यू है काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है टॉप नोट नज़र आ रहे हैं म्यूजिक डिपार्टमेंट में बढ़िया काम नजर आ रहा है बीजेम अच्छा है इसके अलावा फिल्म की एडिटिंग के ऊपर जो सीन्स देखने को मिलते हैं वो काफ़ी बढ़िया थे कलर टोन अच्छा है कलर ग्रेडिंग अच्छी है इसके अलावा लाइटिंग इफेक्ट का बढ़िया यूज़ किया हुआ है सिनेमाटोग्राफी काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही है तो ओवरऑल एडिटिंग सिनेमाटोग्राफी टेक्निकल डिपार्टमेंट परफॉर्मेंस सभी चीज़ों में फिल्म काफ़ी मज़बूत नज़र आ रही है अगर वो जो चेंजेस किए हुए वो सही जाते हैं तो ये फिल्म अच्छा शेयर शॉर्ट ब्लॉकबस्टर होने वाली है वैसे फिल्म को 18 नवंबर 2022 को थिएटर में रिलीज करने का फैसला लिया हुआ है तो फिलहाल में तो दृश्यम टू से पहले अजय देवगन की फिल्म एक और आज आने वाली है जिसको दिवाली के मौके के ऊपर राम सेतु तो फिल्म के साथ रिलीज़ करने वाले हैं तो वो फिल्म जब एक बार रिलीज़ हो जाती है जो उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा उसके बाद इस फिल्म के ऊपर पता चलेगा कि ये फिल्म उनकी कैसी होने वाली है क्योंकि ये फिल्म के और उस फिल्म के बीच में एक मंथ का गैप है जहाँ पे जो थिंग गॉड फिल्म है जिसके बारे में अभी बात कर रहा था उस फिल्म का और इस फिल्म के बीच में एक मंथ का गैप थे वो फिल्म अलग जोनर की है फिल्म टोटली अलग जोनर की है तो बैक टू बैक दो महीने में आपको दो फिल्में देखने को मिलेगी अजय देवगन की और अब देखते हैं कि ये सभी फिल्में उनकी किस तरह से जाती है इससे अलावा इसके अलावा उन्होंने रीमेक राइट्स भी खरीदे रखे जहाँ पे दृश्यम टू के अलावा उन्होंने केदी फिल्म के भी रिमेक राइट्स अपने पास रखे हुए हैं नांदी फिल्म के रिमेक राइट्स भी अजय देवगन के पास है जब देखने वाली बात यह कि उन सभी रिमोक्स रिमेक्स के ऊपर वो किस तरह से कितनी स्पीड में काम करवा पाते हैं इसके अलावा दृश्यम टू अट्ठारह नवंबर 2022 को थिएटर में आ रही है लोगों की एक्साइटमेंट काफ़ी बढ़िया है इस फिल्म के प्रति रीमेक फिल्म है लेकिन पॉजिटिव वाइब नज़र आ रही है ऑडियंस का भी पॉजिटिव कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं तो देखते हैं कि ये फिल्म किस तरह की किस कदर की ओपनिंग लेती है जिस तरह से फिल्म का जो बस चल रहा है उस हिसाब से देखने को मिल रहा है कि ये फिल्म फिलहाल में जितनी कोविड के बाद फिल्में आई हुई है उसमें एक अच्छी खासी ओपनिंग ले सकती है सबसे बेहतर ओपनिंग ये फ़िल्म ले सकती है अब देखती है कि इन सभी चीज़ों के ऊपर कब तक का हमें क्लेरिफिकेशन मिलता है जब फिल्म रिलीज होगी तभी इसके अलावा इस फिल्म को अगर अच्छा वर्ड ऑफ माउथ मिला तो श्योर शॉट ये फिल्म करीबन ढाई सौ करोड़ के आसपास का क्रॉस कलेक्शन कर सकती है वर्ल्ड वाइड तो अब देखने वाली बात यह है कि यह फिल्म किस तरह से जो चेंजेस के साथ दिखाई हुई है वो लोगों को पसंद आती है अगर पसंद आ गए तो ये श्योर शॉट दो सौ ढाई सौ करोड़ का कलेक्शन करेगी अदरवाइज ये फिल्म पचास से सत्तर करोड़ में निपट सकती है तो इस फिल्म के रिगार्डिंग इस तरह का ये सभी चीज़ें हो सकती है जितने भी एक्स्पेक्ट थे वो मैंने शेयर किए हुए इसके अलावा बाद में इस फिल्म को थिएट्रिकल रिलीज़ के दो ढाई महीने के बाद ओ टी टी पर करवाया जाएगा थिएट्रिकल रिलीज़ के छः सात महीने के बाद सेटेलाइट के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा फिलहाल में ओ टी के ऊपर मेकर्स ने कोई अपडेट नहीं दी हुई है कि वो कौन से ओ और सेटेलाइट चैनल के ऊपर इस फिल्म को प्रीमियर करवाने वाले हैं लेकिन जो पहला पार्ट था उसको सेटेलाइट चैनल ओ के लिए स्टार नेटवर्क को बेचा हुआ था जहाँ पर स्टार गोल्ड के ऊपर इस फिल्म का जो पहला पार्ट है दृश्यम 2015 का उसको प्रीमियर करवाया हुआ था वहीं पे डिज्नी प्लस होटस्टार के ऊपर को अवेलेबल किया हुआ है तो वन अगर आपको बिल्कुल फ्री में देखनी है तो डिज्नी प्लस के ऊपर और कुछ भी देना नहीं है उसका सेटेलाइट वर्जन है वो आपको टेलीविजन पे देखने को मिलेगा अब के राइट स्टार वालों ने खरीदे या कोई दूसरे दूसरे प्रोडक्शन कंपनीज ने खरीदे वो पता नहीं अमेजोन प्राइम वीडियो शायद इस फिल्म के राइट्स खरीद सकती है अब देखते

और जो 2015 की दृश्यम है और ये जो दृश्यम टू है 2022 की ये दोनों फिल्में मलयालम फिल्म का रीमेक है दृश्यम टू मलयालम वर्जन में 2021 में बनी थी वहीं पे मलयालम जो ओरिजिनल वर्जन है उसका जो पहला पार्ट है दृश्यम वो 2013 में बना हुआ था सेम नाम के साथ हिंदी वर्जन में अजय देवगन को लीड रोल में लेते हुए इस फिल्म की कहानी को रीमेक किया गया था और वैसे 2013 और 2021 में दृश्यम वन और दृश्यम टू रिलीज़ हुई थी वो दोनों फिल्में मलयालम वर्जन की सबसे बड़ी हिट साबित हुई थी वैसे तो दृश्यम टू है वो डायरेक्ट ओटीटी पे रिलीज़ करवा दी गई थी मलयालम वर्जन में वहाँ पे उसको काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएसन मिला था उसके बाद में तेलुगू रीमेक बना उसके बाद में इस फिल्म का कन्नडा में भी रीमेक बना अब इस फिल्म का हिंदी में बन रहा है तो आप सोच सकते हो कि दृश्यम टू भी कितनी अच्छी फिल्म होगी जिसका इतनी सारी लैंग्वेज में रीमेक बन चुका है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है अभिषेक पाठक ने जहाँ पे फिल्म की कहानी है उसका जो एडप्टेशन है वो किया हुआ है आमिल कियान खान ने स्क्रीन प्ले अभिषेक पाठक ने ही लिखा हुआ है जो स्टोरी थ्री ओरिजिनल वो जीतू जोसेफ़ की थी जीतू जोसेफ ने दृष्टि वन ट्रू की कहानी और डिरेक्शन दोनों किया हुआ है मलयालम वर्जन के लिए और तेलुगु वर्जन के लिए इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है भूषण कुमार कुमार मंगत पाठक अभिषेक पाठक कृष्णा कुमार तो ये टोटल चार प्रोड्यूसर्स है जिन्होंने इस फिल्म को पेनोरमा स्टूडियो वाई कॉमेडी स्टूडियो और टी सीरीज फिल्म के नीचे इस फिल्म को बनाया हुआ है तो इस फिल्म को एक अच्छे खासे बजट के साथ बनाया हुआ है, वाली है तो, तो अजय तो देवगन देखने को मिलेंगे जहाँ पे उन्होंने विजय सालगुनकर का रोल प्ले किया हुआ है जो एक मूवी थिएटर ओनर है और एक एस्पायरिंग फिल्म प्रोड्यूसर है वहीं पे टबू आपको इस फिल्म में मीरा देशमुख के रोल में दिखाई देंगी जो एक फॉर्मर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है जो सीम इसके अलावा श्रेया सर ने नंदनी सालगोनकर का रोल प्ले किया हुआ है जो विजय की वाइफ है अंजू अन्नू की माँ है वहीं पे अक्षय खन्ना इस फिल्म में में एक किरदार देखने को मिलेंगे पुलिस ऑफिसर वाला किरदार है वो जो ओरिजिनल वर्जन में आपको देखने को नहीं मिलेगा ये रीमेक वाले वर्जन में डाला हुआ है वहीं पे इसी तादत्ता आपको अंजू सालगोनकर के रोल में दिखाई देंगी जो विजय और नंदनी की एल्डर डॉटर है मृणाल यादव ने इस फिल्म में अनु सालगोनकर का रोल प्ले किया हुआ है जो विजय और नंदनी की यंगर डॉटर है वहीं पे इस फिल्म में रजत कपूर देखने को मिलेंगे जिन्होंने महेश देशमुख का रोल प्ले किया हुआ है जो मेरा के हस्बैंड है वो सेम के फादर है नेहा जोशी और कमलेश सावंत ये भी आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे तो इस फिल्म के प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इन सभी किरदारों में काम किया हुआ है जहाँ पे इनका रोल फिल्म में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है इनके अलावा काफ़ी लंबी सपोर्टिंग कास्ट है जिनका आपको इस फिल्म के रिलीज़ के बाद पता चलेगा टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी किए हुए सुधीर के चौधरी ने एडिटिंग किए हुए संदीप फ्रेंसिस ने म्यूजिक में देवी प्रसाद का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों सुनने को मिलेंगे जहां पे इस फिल्म के जो म्यूजिक के राइट्स है वो पेनोरमा स्टूडियो ने अपने पास ही रखे हुए हैं जहाँ पे पेनोरमा म्यूज़िक के ऊपर इस फिल्म के गाने को अवेलेबल करवाया जाएगा और बिलीव प्लेटफॉर्म के ऊपर इस फिल्म के ऑडियो को आपको ऑफिशियल में सुनने को मिलेगा वहीं पे इस फिल्म को पेनोरमा स्टूडियो ही प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट करवा रही है जहाँ पे इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है अब हम बातचीत करें प्रोडक्शन के ऊपर तो दृश्यम टू का यानी कि दृश्यम का जो सिक्वल है दृश्यम टू उसकी अनाउंसमेंट दृश्यम जो 2021 में आई थी 2021 में यानी कि दृश्यम टू आई थी मलयालम वर्जन की फिल्म वो जब सक्सेसफुल साबित हुई थी जहाँ पे वो 2013 का सिक्वल था तो उस फिल्म के सक्सेसफुल साबित होने के बाद फरवरी 2021 में एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई कि दृश्यम जो 2015 में हिंदी फिल्म है उसका सिकवल आने वाला है क्योंकि मलयालम तेलुगु वर्जन हिट हो चुके थे जिस वजह से फैसला लिया गया कि इसका हम हिंदी रीमेक बनाएंगे हिंदी राइट्स लेते हुए इस फिल्म को बनाने का फैसला लिया गया जहाँ पे ओरिजिनल जो 2015 की दृश्यम थी उसके डायरेक्टर थे निशिकांत कामत लेकिन उनको कोविड नाइनटीन की वजह से कुछ उनके बॉडी इश्यूज की वजह से उनकी डेथ हो चुकी थी जिसके चलते इस फिल्म का डायरेक्शन का कमान अभिषेक पाठक को दिया गया था उन्होंने इससे पहले एक फिल्म की हुई थी उजड़ा चमन उसके बाद उनकी दूसरी फिल्में वैसे उजड़ा चमन कोई कन्डा फिल्म की रीमेक थी इसके अलावा जो ये फिल्म में ये भी है तो दो दोनों फिल्में उनकी फिल्म की उजड़ा चमन को अच्छी तरह से उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ था अब देखने वाली बात यह है कि इस फिल्म के साथ वो अपना काम किस तरह का दिखा पाते हैं इसके अलावा फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी है वो स्टार्ट की गई थी सत्रह फरवरी दो हजार बाईस को वहीं पर इस फिल्म का जो शूटिंग है ज्यादातर गोवा में किया हुआ है अक्षय खन्ना ने इस फिल्म के सेट को तीस अप्रैल दो हजार बाईस को ज्वाइन किया हुआ था फिल्म की शूटिंग को इक्कीस जून दो

एक अच्छा फैसला लिया गया था क्योंकि वहाँ के जो म्यूजिक होते हैं, बीजीएम होते हैं, वो काफी तगड़ी होती है तो अब देखने वाली बात यह है कि इस वर्जन में उन सभी चीजों को वो किस तरह से भुना पाते हैं वैसे इस फिल्म का जो ट्रेलर आउट हुआ है वो वहीं से स्टार्ट हो रहा है जहाँ पे पहला पार्ट एंड हुआ था तो इस फिल्म की कहानी कंटिन्यू है अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखेगा उसके बाद ये फिल्म देखने का मजा आएगा जहाँ पे दृश्यम टू की कहानी में सभी चीज़ों को एक्सटेंड किया गया है केस रीओपन हो रहा है जो मर्डर केस हुआ था जिसमें विजय सालगोनकर की फैमिली इन्वॉल्व थी तो उन सभी चीज़ों के ऊपर फिर से एक बार केस हो रहा है जहाँ पे अक्षय कुम अक्षय खन्ना उस केस को टेक ओवर कर रहे हैं और उनको मदद करती हुई नजर आएगी आपको टबू तो इस तरह से इस फिल्म के केस को रीओपन किया हुआ है तब बताया जाएगा कि इन सभी चीजों को किस तरह से शो किया हुआ था और इसके पीछे जो विजय सालगनकर की जो साजिश थी जिस तरह से उन्होंने उस बॉडी को छुपाया हुआ था तो क्या उनको वो ढूंढ पाएंगे इस केस के पीछे क्या रहस्य है उसको क्या वो पकड़ पाएंगे वो सभी चीजें पूरी तरह से इस फिल्म की कहानी बनाती है तो आप देखने वाली बात है कि इन सभी चीज़ों को क्लाइमेक्स में किस तरह से खत्म किया होगा वैसे तो दृश्यम टू अगर आपने मलयालम वर्जन की देखी होगी तो इस फिल्म के जो क्लाइमेक्स था उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ की गई थी और पूरी फिल्म को जिस तरह से हैंडल किया हुआ था उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ की गई थी कहानी की जो राइटिंग जो लिखी हुई थी उसको काफ़ी इंटेलिजेंट बताया गया था तो ये सभी चीज़ें इस फिल्म में सेम होने वाली रीमेक फिल्म में लेकिन कुछ एक्टर्स को डाला हुआ इंक्लूड किया हुआ है कुछ कैरेक्टर्स को तो थोड़ा स्क्रीन प्ले में आपको चेंजेस देखने को जरूर मिलेगा अब वो कितना पॉजिटिव वे में जाता है वो इस फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा ट्रेलर टीजर जितना भी आउट हुआ है उससे एक अच्छी खासी वाइब आ रही है दृश्यम का जो वाइब था सेम वाइब आपको इस फिल्म में भी वो नज़र आएगी डायरेक्शन का काम अच्छा नज़र आ रहा है स्क्रीन प्ले है स्टोरी आइडिया वो अच्छा नजर आ रहा है फिल्म की स्टार कास्ट की परफॉर्मेंसेज बढ़िया नजर आ रही है जो कास्टिंग की हुई है वो परफेक्ट नज़र आ रही है इस फिल्म में जो प्रोडक्शन डिजाइन है प्रोडक्शन वैल्यू है काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है टॉप नोट नज़र आ रहे हैं म्यूजिक डिपार्टमेंट में बढ़िया काम नजर आ रहा है बीजेम अच्छा है इसके अलावा फिल्म की एडिटिंग के ऊपर जो सीन्स देखने को मिलते हैं वो काफी बढ़िया थे कलर टोन अच्छा है कलर ग्रेडिंग अच्छी है इसके अलावा लाइटिंग इफेक्ट का बढ़िया यूज़ किया हुआ है सिनेमेटोग्राफी काफी बढ़िया नजर आ रही है तो ओवरऑल एडिटिंग सिनेमेटोग्राफी टेक्निकल डिपार्टमेंट परफॉर्मेंस इस सभी चीज़ों में फिल्म काफी मज़बूत नजर आ रही है अगर वो जो चेंजेस किए हुए वो सही जाते हैं तो ये फिल्म अच्छा स्योर शॉट ब्लॉकबस्टर होने वाली है वैसे फिल्म को 18 नवंबर 2022 को थिएटर में रिलीज करने का फैसला लिया हुआ है तो फिलहाल में तो दृश्यम टू से पहले अजय देवगन की फिल्म एक और आज आने वाली है जिसको दिवाली के मौके के ऊपर राम सेतु तो फिल्म के साथ रिलीज करने वाले हैं तो वो फिल्म जब एक बार रिलीज हो जाती है जो उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा उसके बाद इस फिल्म के ऊपर पता चलेगा कि ये फिल्म उनकी कैसी होने वाली है क्योंकि ये फिल्म के और उस फिल्म के बीच में एक मंथ का गैप है जहाँ पे जो थिंग गॉड फिल्म है जिसके बारे में अभी बात कर रहा था उस फिल्म का और इस फिल्म के बीच में एक मंथ का गैप थे वो फिल्म अलग जोनर की है फिल्म टोटली अलग जोनर की है तो बैक टू बैक दो महीने में आपको दो फिल्में देखने को मिलेगी अजय देवगन की और अब देखते हैं कि ये सभी फिल्में उनकी किस तरह से जाती है इससे अला इसके अलावा उन्होंने रीमेक राइट्स भी खरीदे रखे जहाँ पे दृश्यम टू के अलावा उन्होंने केडी फिल्म के भी रिमेक राइट्स अपने पास रखे हुए हैं नांदी फिल्म के रिमेक राइट्स भी अजय देवगन के पास है अब देखने वाली बात यह है कि उन सभी रिमोक रिमेक्स के ऊपर वो किस तरह से कितनी स्पीड में काम करवा पाते हैं इसके अलावा दृश्यम टू अट्ठारह नवंबर 2022 को थिएटर में आ रही है लोगों की एक्साइटमेंट काफ़ी बढ़िया है इस फिल्म के प्रति रीमेक फिल्म है लेकिन पॉजिटिव वाइब नज़र आ रही है ऑडियंस का भी पॉजिटिव कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं तो देखते हैं कि ये फिल्म किस तरह की किस कदर की ओपनिंग लेती है जिस तरह से फिल्म का जो बस चल रहा है उस हिसाब से देखने को मिल रहा है कि ये फिल्म फिलहाल में जितनी कोविड के बाद फिल्में आई हुई है उसमें एक अच्छी खासी ओपनिंग ले सकती है सबसे बेहतर ओपनिंग ये फ़िल्म ले सकती है अब देखते हैं कि इन सभी चीज़ों के ऊपर कब तक का हमें क्लेरिफिकेशन मिलता है जब फिल्म रिलीज़ होगी तभी इसके अलावा इस फिल्म को अगर अच्छा वर्ड ऑफ माउथ मिला तो श्योर शॉट ये फिल्म करीबन ढाई सौ करोड़ के आसपास का क्रॉस कलेक्शन कर सकती है वर्ल्ड वाइड तो अब देखने वाली बात यह है कि ये फिल्म किस तरह से जो चेंजेस के साथ दिखाई हुई है वो तो लोगों को पसंद आती है अगर पसंद आ गए तो ये श्योर शॉट दो सौ ढाई सौ करोड़ का कलेक्शन करेगी अदरवाइज़ ये फिल्म पचास से सत्तर करोड़ में निपट सकती है तो इस फिल्म के रिगार्डिंग इस तरह का ये सभी चीजें हो सकती है जितने भी मैंने शेयर किए हुए इसके अलावा बाद में इस फिल्म को थिएट्रिकल रिलीज के दो ढाई महीने के बाद ओ टी टी पर करवाया जाएगा थिएट्रिकल रिलीज के छः सात महीने के बाद सेटेलाइट के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा फिलहाल में ओ टी के ऊपर मेकर्स ने कोई अपडेट नहीं दी हुई है कि वो कौन से ओ और सेटेलाइट चैनल के ऊपर इस फिल्म को प्रीमियर करवाने वाले हैं लेकिन जो पहला पार्ट था उसको सेटेलाइट चैनल ओ के लिए स्टार नेटवर्क को बेचा हुआ था जहाँ पर स्टार गोल्ड के ऊपर इस फिल्म का जो पहला पार्ट है दृश्यम 2015 का उसको

और जो 2015 की दृश्यम है और ये जो दृश्यम 2 है 2022 की ये दोनों फिल्में मलयालम फिल्म का रीमेक है दृश्यम 2 मलयालम वर्जन में 2021 में बनी थी वहीं पे मलयालम जो ओरिजिनल वर्जन है उसका जो पहला पार्ट है दृश्यम वो 2013 में बना हुआ था सेम नाम के साथ हिंदी वर्जन में अजय देवगन को लीड रोल में लेते हुए इस फिल्म की कहानी को रीमेक किया गया था और वैसे 2013 और 2021 में दृश्यम वन और दृश्यम टू रिलीज़ हुई थी वो दोनों फिल्में मलयालम वर्जन की सबसे बड़ी हिट साबित हुई थी वैसे तो दृश्यम टू है वो डायरेक्ट ओ टी पे रिलीज़ करवा दी गई थी मलयालम वर्जन में वहाँ पे उसको काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएसन मिला था उसके बाद में तेलुगू रीमेक बना उसके बाद में इस फिल्म का कन्नड़ा में भी रीमेक बना अब इस फिल्म का हिंदी में बन रहा है तो आप सोच सकते हो कि दृश्यम टू भी कितनी अच्छी फिल्म होगी जिसका इतनी सारी लैंग्वेज में रीमेक बन चुका है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है अभिषेक पाठक ने जहाँ पे फिल्म की कहानी है उसका जो एडप्टेशन है वो किया हुआ है आमिल कियान खान ने स्क्रीन प्ले अभिषेक पाठक ने ही लिखा हुआ है जो स्टोरी थ्री ओरिजिनल वो जीतू जोसेफ़ की थी जीतू जोसेफ ने दृश्य वन ट्रू की कहानी और डिरेक्शन दोनों किया हुआ है मलयालम वर्जन के लिए और तेलुगु वर्जन के लिए इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है भूषण कुमार कुमार मंगत पाठक अभिषेक पाठक कृष्णा कुमार तो ये टोटल चार प्रोड्यूसर्सर् जिन्होंने इस फिल्म को पेनोरमा स्टूडियो वाई कॉमेडी स्टूडियो और टी 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 सीरीज फिल्म के नीचे इस फिल्म को बनाया हुआ है तो इस फिल्म को एक अच्छे खासे बजट के साथ बनाया हुआ है जहां से पता चल रहा है कि इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाने वाली है पिनोरमा स्टूडियो तो एक बड़ा प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है तो इस फिल्म को एक अच्छे खासे रिलीज मिलने वाली है इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो अजय देवगन देखने को मिलेंगे जहां पे उन्होंने विजय सालगुनकर का रोल प्ले किया हुआ है जो एक मूवी थिएटर ओनर है और एक एस्पायरिंग फिल्म फिल्म प्रोड्यूसर है वहीं पे टबू आपको इस में में मीरा देशमुख के रोल दिखाई देंगी जो एक फॉर्मर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है जो सीएम की मदर है इसके अलावा श्रेया सर ने नंदनी सालगुनकर का रोल प्ले किया हुआ है जो विजय की वाइफ है अंजू अनू की माँ है वहीं पे अक्षय खन्ना इस फिल्म में एक इंपॉर्टेंट किरदार में देखने को मिलेंगे पुलिस ऑफिसर वाला किरदार है वो जो ओरिजिनल वर्जन में आपको देखने को नहीं मिलेगा ये रिमेक वाले वर्जन में डाला हुआ है वहीं पे इसी तादत आपको अंजू सालगोनकर के रोल में दिखाई देंगी जो विजय और नंदनी की एल्डर डॉटर है मृणाल यादव ने इस फिल्म में अनु सालगोनकर का रोल प्ले किया हुआ है जो विजय और नंदनी की यंगर डॉटर है वहीं पे इस फिल्म में रजत कपूर देखने को मिलेंगे जिन्होंने महेश देशमुख का रोल प्ले किया हुआ है जो मेरा के हस्बैंड है और सेम के फादर है नेहा जोशी और कमलेश सावंत ये भी आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे तो इस फिल्म के प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इन सभी किरदारों में काम किया हुआ है जहाँ पे इनका रोल फिल्म में काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है इनके अलावा काफी लंबी सपोर्टिंग कास्ट है जिनका आपको इस फिल्म के रिलीज के बाद पता चलेगा टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी किए हुई सुधीर के चौधरी ने एडिटिंग किए हुए संदीप फ्रेंसिस ने म्यूजिक में देवी श्री प्रसाद का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों सुनने को मिलेंगे जहां पे इस फिल्म के जो म्यूजिक के राइट्स है वो पेनोरमा स्टूडियो ने अपने पास ही रखे हुए जहाँ पे पेनोरमा म्यूज़िक के ऊपर इस फिल्म के गाने को अवेलेबल करवाया जाएगा और बिले प्लेटफॉर्म के ऊपर इस फिल्म के ऑडियो को आपको ऑफिशियल में सुनने को मिलेगा वहीं पे इस फिल्म को पेनोरमा स्टूडियो ही प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट करवा रही है जहाँ पे इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है अब हम बातचीत करें प्रोडक्शन के ऊपर तो दृश्यम टू का यानी कि दृश्यम का जो सिक्वल है दृश्यम टू उसके अनाउंसमेंट दृश्यम जो 2021 में आई थी 2021 में यानी कि दृश्यम टू आई थी मलयालम वर्जन की फिल्म वो जब सक्सेसफुल साबित हुई थी जहाँ पे वो 2013 का सिक्वल था तो उस फिल्म के सक्सेसफुल साबित होने के बाद फरवरी 2021 में एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई कि दृश्यम जो 2015 में हिंदी फिल्म है उसका सिक्वल आने वाला है क्योंकि मलयालम तेलुगु वर्जन हिट हो चुके थे जिस वजह से फैसला लिया गया कि इसका हम हिंदी रीमेक बनाएंगे हिंदी राइट्स लेते हुए इस फिल्म को बनाने का फैसला लिया गया जहाँ पे ओरिजिनल जो 2015 की दृश्यम थी उसके डायरेक्टर थे निशिकांत कामंत लेकिन उनको कोविड नाइनटीन की वजह से कुछ उनके बॉडी इश्यूज की वजह से उनकी डेथ हो चुकी थी जिसके चलते इस फिल्म का डायरेक्शन का कमान अभिषेक पाठक को दिया गया था उन्होंने इससे पहले एक फिल्म की हुई थी उजड़ा चमन उसके बाद उनकी दूसरी फिल्म है वैसे उजड़ा चमन कोई कन्नड़ा फिल्म की रिमेक थी इसके अलावा जो ये फिल्म है तो दोनों किया हुआ था। अब देखने वाली बात ये कि इस फिल्म के साथ फोटोग्राफी है वो स्टार्ट की गई थी सत्रह फरवरी दो हजार बाईस को वहीं पर इस फिल्म का जो शूटिंग है ज्यादातर गोवा में किया हुआ है अक्षय खन्ना ने इस फिल्म के सेट को तीस अप्रैल दो हजार बाईस को ज्वाइन किया हुआ था फिल्म की शूटिंग को इक्कीस जून दो हजार बाईस तक पूरी तरह से कंप्लीट करवाया हुआ था हैदराबाद में तो हैदराबाद गोवा इसे अलग अलग लोकेशंस में इस फिल्म को शूट किया गया था और मुंबई भी था उसमें हैदराबाद मुंबई गोवा में इस फिल्म को मोस्ट ऑफ शूट किया गया था जहाँ से कम्पलीट करवाते हुए इस फिल्म को सेंसर करवाया गया उसके पहले पोस्ट प्रोडक्शन का, का काम करवाया गया जहाँ पे म्यूजिक मिक्सिंग डबिंग मास्टरिंग के ऊपर काम किया हुआ है और इस फिल्म के म्यूजिक के लिए साउथ इंडियन म्यूजिक डायरेक्टर देवी श्री प्रसाद को हायर किया गया एक बेस्ट बी के लिए और एक अच्छा खासा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स के लिए तो एक अच्छा फैसला लिया गया था क्योंकि वहाँ के जो म्यूज़िक होते हैं जी होते होते वो काफ़ी तगड़ी होती है तो अब देखने वाली बात यह है कि इस वर्जन में उन सभी चीज़ों को वो किस तरह से भुना पाते हैं वैसे इस फिल्म का जो ट्रेलर आउट हुआ है वो वहीं से स्टार्ट हो रहा है जहाँ पे पहला पार्ट एंड हुआ था तो इस फिल्म की कहानी कंटिन्यू है अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखेगा उसके बाद ये फिल्म देखने का मजा आएगा जहाँ पे दृश्यम टू की कहानी में सभी चीज़ों को एक्सटेंड किया गया है केस ओपन हो रहा है जो मर्डर केस हुआ था जिसमें विजय सालगुनकर की फैमिली इन्वॉल्व थी तो उन सभी चीज़ों के ऊपर फिर से एक बार केस हो रहा है जहाँ पे अक्षय कुम अक्षय खन्ना उस केस को टेक ओवर कर रहे हैं और उनको मदद करती हुई नजर आएगी आपको टबू तो इस तरह से इस फिल्म के केस को री ओपन किया हुआ है तब बताया जाएगा कि इन सभी चीजों को किस तरह से हुआ था और इसके पीछे जो विजय सालगनकर की जो साजिश थी जिस तरह से उन्होंने उस बॉडी को छुपाया हुआ था तो क्या उनको वो ढूंढ पाएंगे इस केस के पीछे क्या रहस्य है उसको क्या वो पकड़ पाएंगे वो सभी चीजें पूरी तरह से इस फिल्म की कहानी बनाती है तो अब देखने वाली बात है कि इन सभी चीज़ों को क्लाइमेक्स में किस तरह से खत्म किया होगा वैसे तो दृश्यम टू अगर आपने मलयालम वर्जन की देखी होगी तो इस फिल्म के जो क्लाइमेक्स था उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ की गई थी और पूरी फिल्म को जिस तरह से हैंडल किया हुआ था उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ की गई थी कहानी की जो राइटिंग जो लिखी हुई थी उसको काफ़ी इंटेलिजेंट बताया गया था तो ये सभी चीज़ें इस फिल्म में सेम होने वाली रीमेक फिल्म में लेकिन कुछ एक्टर्स को डाला हुआ है इंक्लूड किया हुआ है कुछ कैरेक्टर्स को तो थोड़ा स्क्रीन प्ले में आपको चेंजेस देखने को जरूर मिलेगा अब वो कितना टी वे में जाता है वो इस फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा ट्रेलर टीजर जितना भी आउट हुआ है उससे एक अच्छी खासी वाइब आ रही है दृश्यम का जो वाइब वाइब था सेम आपको इस फिल्म में भी वो नजर आएगी डायरेक्शन का काम अच्छा नजर आ रहा है स्क्रीन प्ले है स्टोरी आइडिया वो अच्छा नजर आ रहा है फिल्म की स्टार कास्ट की परफॉर्मेंसेज बढ़िया नजर आ रही है जो कास्टिंग की हुई है वो परफेक्ट नजर आ रही है इस फिल्म में जो प्रोडक्शन डिजाइन है प्रोडक्शन वैल्यू है काफी अच्छी नजर आ रही है टॉप नोट नजर आ रहे हैं म्यूजिक डिपार्टमेंट में बढ़िया काम नजर आ रहा है बीजेम अच्छा है इसके अलावा फिल्म की एडिटिंग के ऊपर जो सीन्स देखने को मिलते हैं वो काफी बढ़िया थे कलर टोन अच्छा है कलर ग्रेडिंग अच्छी है इसके अलावा लाइटिंग इफेक्ट का बढ़िया यूज़ किया हुआ है सिनेमेटोग्राफी काफी बढ़िया नज़र आ रही है तो ओवरऑल एडिटिंग सिनेमेटोग्राफी टेक्निकल डिपार्टमेंट परफॉर्मेंस इस सभी चीज़ों में फिल्म काफ़ी मजबूत नजर आ रही है अगर वो जो चेंजेस किए हुए हैं वो सही जाते हैं तो ये फिल्म अच्छा स्योर शॉट ब्लॉकबस्टर होने वाली है वैसे फिल्म को 18 नवंबर 2022 को थिएटर में रिलीज करने का फैसला लिया हुआ है तो फिलहाल में तो दृश्यम टू से पहले अजय देवगन की फिल्म एक और आज आने वाली है जिसको दिवाली के मौके के ऊपर राम सेतु तो फिल्म के साथ रिलीज करने वाले हैं तो वो फिल्म जब एक बार रिलीज़ हो जाती है जो उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा उसके बाद इस फिल्म के ऊपर पता चलेगा कि ये फिल्म उनकी कैसी होने वाली है क्योंकि ये फिल्म के और उस फिल्म के बीच में एक मंथ का गैप है जहाँ पे जो थिंग गॉड फिल्म है जिसके बारे में अभी बात कर रहा था उस फिल्म का और इस फिल्म के बीच में एक मंथ का गैप थे वो फिल्म अलग जोनर की है फिल्म टोटली अलग जोनर की है तो बैक टू बैक दो महीने में आपको दो फिल्में देखने को मिलेगी अजय देवगन की और अब देखते हैं कि ये सभी फिल्में उनकी किस तरह से जाती है इससे अला इसके अलावा उन्होंने रीमेक राइट्स भी खरीदे रखे है जहाँ पे दृश्यम टू के अलावा उन्होंने केदी फिल्म के भी रीमेक राइट्स अपने पास रखे हुए हैं नांदी फिल्म के रीमेक राइट्स भी अजय देवगन के पास है तो अब देखने वाली बात ये कि भी रिमेक्स के वो किस तरह से कितनी स्पीड में काम है लोगों की एक्साइटमेंट काफी बढ़िया है तो देखते हैं कि किस तरह की किस कदर की ओपनिंग लेती है जिस तरह से फिल्म का जो बस चल रहा है उस हिसाब से देखने को मिल रहा है कि फिल्म फिलहाल जितनी कोविड के बाद फिल्में आई हुई है उसमें एक अच्छी खासी ओपनिंग ले सकती है सबसे बेहतर ओपनिंग ये फिल्म ले सकती है अब देखते हैं कि इन सभी चीज़ों के ऊपर कब तक का हमें क्लेरिफिकेशन मिलता है जब फिल्म रिलीज़ होगी तभी इसके अलावा इस फिल्म को अगर अच्छा वर्ड ऑफ माउथ मिला तो श्योर शॉट ये फिल्म करीबन ढाई करोड़ के आसपास का क्रॉस कलेक्शन कर सकती है वर्ल्ड वाइड तो अब देखने वाली बात यह है कि यह फिल्म किस तरह से जो चेंजेस के साथ दिखाई हुई है वह लोगों को पसंद आती है अगर पसंद आ गए तो ये श्योर शॉट दो सौ सौ करोड़ का कलेक्शन करेगी अदरवाइज़ ये फिल्म पचास से सत्तर करोड़ में निपट सकती है तो इस फिल्म के रिगार्डिंग इस तरह का ये सभी चीज़ें हो सकती है जितने भी एस्पेक्ट थे वो मैंने शेयर किए हुए इसके अलावा बाद में इस फिल्म को थिएट्रिकल रिलीज़ के दो ढाई महीने के बाद ओ टी टी पर करवाया जाएगा थिएट्रिकल रिलीज़ के छः सात महीने के बाद सेटेलाइट के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा फिलहाल में ओ टी के ऊपर मेकर्स ने कोई अपडेट नहीं दी हुई है कि वो कौन से ओ और सेटेलाइट चैनल के ऊपर इस फिल्म को प्रीमियर करवाने वाले हैं लेकिन जो पहला पार्ट था उसको सेटेलाइट चैनल ओ के लिए स्टार नेटवर्क को बेचा हुआ था जहाँ पर स्टार गोल्ड के ऊपर इस फिल्म का जो पहला पार्ट है दृश्यम 2015 का उसको

और जो 2015 की दृश्यम है और ये जो दृश्यम टू है 2022 की ये दोनों फिल्में मलयालम फिल्म का रीमेक है दृश्यम टू मलयालम वर्जन में 2021 में बनी थी वहीं पे मलयालम जो ओरिजिनल वर्जन है उसका जो पहला पार्ट है दृश्यम वो 2013 में बना हुआ था सेम नाम के साथ हिंदी वर्जन में अजय देवगन को लीड रोल में लेते हुए इस फिल्म की कहानी को रीमेक किया गया था और वैसे 2013 और 2021 में दृश्यम वन और दृश्यम टू रिलीज़ हुई थी वो दोनों फिल्में मलयालम वर्जन की सबसे बड़ी हिट साबित हुई थी वैसे तो दृश्यम टू है वो डायरेक्ट ओ टी टी पे रिलीज़ करवा दी गई थी मलयालम वर्जन में वहाँ पे उसको काफ़ी ज़्यादा एप्रिसिएशन मिला था उसके बाद में तेलुगू रीमेक बना उसके बाद में इस फिल्म का कनाडा में भी रीमेक बना अब इस फिल्म का हिंदी में बन रहा है तो आप सोच सकते हो कि दृश्यम टू भी कितनी अच्छी फिल्म होगी जिसका इतनी सारी लैंग्वेज में रीमेक बन चुका है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है अभिषेक पाठक ने जहाँ पे फिल्म की कहानी है उसका जो एडप्टेशन है वो किया हुआ है आमिल कियान खान ने स्क्रीन प्ले अभिषेक पाठक ने ही लिखा हुआ है जो स्टोरी थ्री ओरिजिनल वो जीतू जोसेफ़ की थी जीतू जोसेफ ने दृश्य वन ट्रू की कहानी और डिरेक्शन दोनों किया हुआ है मलयालम वर्जन के लिए और तेलुगु वर्जन के लिए इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है भूषण कुमार कुमार मंगत पाठक अभिषेक पाठक कृष्ण कुमार तो ये टोटल चार प्रोड्यूसर्स है जिन्होंने इस फिल्म को पेनोरमा स्टूडियो वाई कॉमेडी स्टूडियो और टी 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 सीरीज फिल्म के नीचे इस फिल्म को बनाया हुआ है तो इस फिल्म को एक अच्छे खासे बजट के साथ बनाया हुआ है जहां से पता चल रहा है कि इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाने वाली है पिनोरमा स्टूडियो तो एक बड़ा प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है तो इस फिल्म को एक अच्छे खासे रिलीज मिलने वाली है इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो अजय देवगन देखने को मिलेंगे जहां पे उन्होंने विजय सालगुनकर का रोल प्ले किया हुआ है जो एक मूवी थिएटर ओनर है और एक एस्पायरिंग फिल्म प्रोड्यूसर है वहीं पे ट्बू आपको इस फिल्म में मीरा देशमुख के रोल में दिखाई देंगी जो एक फॉर्मर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है जो सेम

जिन्होंने महेश देशमुख का रोल प्ले किया हुआ है जो मेरा के हस्बैंड है और सेम के फादर है नेहा जोशी और कमलेश सावंत ये भी आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे तो इस फिल्म के प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इन सभी किरदारों में काम किया हुआ है जहाँ पे इनका रोल फिल्म में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इनके अलावा काफी लंबी सपोर्टिंग कास्ट है जिनका आपको इस फिल्म के रिलीज के बाद पता चलेगा टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी की हुए सुधीर के चौधरी ने एडिटिंग किए हुए संदीप फ्रेंसिस ने म्यूजिक में देवी श्री प्रसाद का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों सुनने को मिलेंगे जहाँ पे इस फिल्म के जो म्यूजिक के राइट्स है वो पेनोरमा स्टूडियो ने अपने पास ही रखे हुए हैं जहाँ पे पेनोरमा म्यूज़िक के ऊपर इस फिल्म के गाने को अवेलेबल करवाया जाएगा और बिलेव प्लेटफॉर्म के ऊपर इस फिल्म के ऑडियो को आपको ऑफिशियल में सुनने को मिलेगा वहीं पे इस फिल्म को पेनोरमा स्टूडियो ही प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट करवा रही है जहाँ पे इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है अब हम बातचीत करें प्रोडक्शन के ऊपर तो दृश्यम टू का यानी कि दृश्यम का जो सिक्वल है दृश्यम टू उसके अनाउंसमेंट दृश्यम जो 2021 में आई थी 2021 में यानी कि दृश्यम टू आई थी मलयालम वर्जन की फिल्म वो जब सक्सेसफुल साबित हुई थी जहाँ पे वो 2013 का सिक्वल था तो उस फिल्म के सक्सेसफुल साबित होने के बाद फरवरी 2021 में एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई कि दृश्यम जो 2015 में हिंदी फिल्म है उसका सिकवल आने वाला है क्योंकि मलयालम तेलुगु वर्जन हिट हो चुके थे जिस वजह से फैसला लिया गया कि इसका हम हिंदी रीमेक बनाएंगे हिंदी राइट्स लेते हुए इस फिल्म को बनाने का फैसला लिया गया जहाँ पे ओरिजिनल जो 2015 की दृश्यम थी उसके डायरेक्टर थे निशिकांत कामत लेकिन उनको कोविड नाइन्टीन की वजह से कुछ उनके बॉडी इश्यूज़ की वजह से उनकी डेथ हो चुकी थी जिसके चलते इस फिल्म का डायरेक्शन का कमान अभिषेक पाठक को दिया गया था उन्होंने इससे पहले फिल एक फिल्म की हुई थी उजड़ा चमन उसके बाद उन किए दूसरी फिल्में वैसे उजड़ा चमन

बाईस तक पूरी तरह से कंप्लीट करवाया हुआ था हैदराबाद में तो हैदराबाद गोवा इसे अलग अलग लोकेशंस में इस फिल्म को शूट किया गया था और मुंबई भी था उसमें हैदराबाद मुंबई गोवा में इस फिल्म को मोस्ट ऑफ शूट किया गया था जहाँ से कम्प्लीट करवाते हुए इस फिल्म को सेंसर करवाया गया उसके पहले पोस्ट प्रोडक्शन का, का काम करवाया गया जहाँ पे म्यूजिक मिक्सिंग डबिंग मास्टरिंग के ऊपर काम किया हुआ है और इस फिल्म के म्यूजिक के लिए साउथ इंडियन म्यूजिक डायरेक्टर देवी प्रसाद को हायर किया गया एक बेस्ट बीजेम के लिए और एक अच्छा खासा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स के लिए तो एक अच्छा फैसला लिया गया था क्योंकि वहाँ के जो म्यूज़िक होते बी होते वो काफ़ी तगड़ी होती है तो अब देखने वाली बात यह है कि इस वर्जन में उन सभी चीज़ों को वो किस तरह से भुना पाते हैं वैसे इस फिल्म का जो ट्रेलर आउट हुआ है वो वहीं से स्टार्ट हो रहा है जहाँ पे पहला पार्ट एंड हुआ था तो इस फिल्म की कहानी कंटिन्यू है अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसे जरूर देखेगा उसके बाद ये फिल्म देखने का मजा आएगा जहाँ पे दृश्यम टू की कहानी में सभी चीज़ों को एक्सटेंड किया गया है केस ओपन हो रहा है जो मर्डर केस हुआ था जिसमें विजय सालगुनकर की फैमिली इन्वॉल्व थी तो उन सभी चीज़ों के ऊपर फिर से एक बार केस हो रहा है जहाँ पे अक्षय कुम अक्षय खन्ना उस केस को टेक ओवर कर रहे हैं और उनको मदद करती हुई नजर आएगी आपको टबू तो इस तरह से इस फिल्म के केस को रीओपन किया हुआ है तब बताया जाएगा कि इन सभी चीजों को किस तरह से सो केस किया हुआ था और इसके पीछे जो विजय सालकर की जो साजिश थी जिस तरह से उन्होंने उस बॉडी को छुपाया हुआ था तो क्या उनको वो ढूंढ पाएंगे इस केस के पीछे क्या रहस्य है उसको क्या वो पकड़ पाएंगे वो सभी चीजें पूरी तरह से इस फिल्म की कहानी बनाती है तो अब देखने वाली बात है कि इन सभी चीज़ों को क्लाइमेक्स में किस तरह से ख़त्म किया होगा वैसे तो रेशम टू अगर आपने मलयालम वर्जन की देखी होगी तो इस फिल्म के जो क्लाइमेक्स था उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ की गई थी और पूरी फिल्म को जिस तरह से हैंडल किया हुआ था उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ की गई थी कहानी की जो राइटिंग जो लिखी हुई थी उसको काफ़ी इंटेलिजेंट बताया गया था तो ये सभी चीज़ें इस फिल्म में सेम होने वाली रीमेक फिल्म में लेकिन कुछ एक्टर्स को डाला हुआ इंक्लूड किया हुआ है कुछ कैरेक्टर्स को तो थोड़ा स्क्रीन प्ले में आपको जिस देखने को जरूर मिलेगा अब वो कितना पॉजिटिव वे में जाता है वो इस फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा ट्रेलर टीजर जितना भी आउट हुआ है उससे एक अच्छी खासी वाइब आ रही है दृश्यम का जो वाइब था सेम वाइब आपको इस फिल्म में भी वो नज़र आएगी डिरेक्शन का काम अच्छा नज़र आ रहा है स्क्रीन प्ले है स्टोरी आइडिया वो अच्छा नज़र आ रहा है फिल्म की स्टार कास्ट की परफॉर्मेंसेज बढ़िया नज़र आ रही है जो कास्टिंग की हुई है वो परफेक्ट नजर आ रही है इस फिल्म में जो प्रोडक्शन डिजाइन है प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है टॉप नोट नज़र आ रहे हैं म्यूजिक डिपार्टमेंट में बढ़िया काम नजर आ रहा है, अच्छा है इसके अलावा का बढ़िया नजर आ रही है तो ओवरऑल एडिटिंग टेक्निकल डिपार्टमेंट परफॉर्मेंस इस सभी चीजों में फिल्म काफी मजबूत नजर आ रही है अगर वो जो चेंजेस किए हुए वो सही जाते हैं तो ये फिल्म अच्छा स्योर शॉर्ट ब्लॉकबस्टर होने वाली है वैसे फिल्म को अट्ठारह नवंबर दो को थिएटर में रिलीज करने का फैसला लिया हुआ है तो फिलहाल में तो दृश्यम टू से पहले अजय देवगन की फिल्म एक और आज आने वाली है जिसको दिवाली के मौके के ऊपर राम सेतु तो फिल्म के साथ रिलीज़ करने वाले हैं तो वो फिल्म जब एक बार रिलीज़ हो जाती है जो उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा उसके बाद इस फिल्म के ऊपर पता चलेगा कि ये फिल्म उनकी कैसी होने वाली है क्योंकि ये फिल्म के और उस फिल्म के बीच में एक मंथ का गैप है जहाँ पे जो थिंग गॉड फिल्म है जिसके बारे में अभी बात कर रहा था उस फिल्म का और इस फिल्म के बीच में एक मंथ का गैप थे वो फिल्म अलग जोनर की है फिल्म टोटली अलग जोनर की है तो बैक टू बैक दो महीने में आपको दो फिल्में देखने को मिलेंगी अजय देवगन की और अब देखते हैं कि ये सभी फिल्में उनकी किस तरह से जाती है इससे अलावा इसके अलावा उन्होंने रीमेक राइट्स भी खरीदे रखे है जहाँ पर दृश्यम टू के अलावा उन्होंने केदी फिल्म के भी रीमेक राइट्स अपने पास रखे हुए हैं नांदी फिल्म के रीमेक राइट्स भी अजय देवगन के पास है तो अब देखने वाली बात उन सभी रिमोक रिमेक्स के ऊपर वो किस तरह से कितनी स्पीड में काम करवा पाते हैं इसके अलावा दृश्यम टू अठारह नवंबर 2022 को थिएटर में आ रही है लोगों की एक्साइटमेंट काफी बढ़िया है इस फिल्म के प्रति रिमेक फिल्म में लेकिन पॉजिटिव वाइब नजर आ रही है ऑडियंस का भी पॉजिटिव कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं तो देखते हैं कि ये फिल्म किस तरह की किस कदर की ओपनिंग लेती है जिस तरह से फिल्म का जो बस चल रहा है उस हिसाब से देखने को मिल रहा है कि ये फिल्म फिलहाल में जितनी कोविड के बाद फिल्में आई हुई है उसमें एक अच्छी खासी ओपनिंग ले सकती है सबसे बेहतर ओपनिंग ये फ़िल्म ले सकती है अब देखती है कि इन सभी चीज़ों के ऊपर कब तक का हमें क्लेरिफिकेशन मिलता है जब फिल्म रिलीज़ होगी तभी इसके अलावा इस फिल्म को अगर अच्छा वर्ड ऑफ माउथ मिला तो श्योर शॉट ये फिल्म करीबन ढाई करोड़ के आसपास का ग्रॉस कलेक्शन कर सकती है वर्ल्ड वाइड तो अब देखने वाली बात ये है कि ये फिल्म किस तरह से जो चेंजेस के साथ दिखाई हुई है वह लोगों को पसंद आती है अगर पसंद आ गए तो ये श्योर शॉट दो सौ ढाई करोड़ का कलेक्शन करेगी अदरवाइज़ ये फिल्म पचास से सत्तर करोड़ में निपट सकती है तो इस फिल्म के रिगार्डिंग इस तरह का ये सभी चीज़ें हो सकती है जितने भी एक्सपेक्ट थे वो मैंने शेयर किए हुए इसके अलावा बाद में इस फिल्म को थिएट्रिकल रिलीज़ के दो ढाई महीने के बाद ओ टी टी प्रीमियर करवाया जाएगा थिएट्रिकल रिलीज़ के छः सात महीने के बाद सेटेलाइट के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा फिलहाल में ओ टी के ऊपर मेकर्स ने कोई अपडेट नहीं दी हुई है कि वो कौन से ओ और सेटेलाइट चैनल के ऊपर इस फिल्म को प्रीमियर करवाने वाले लेकिन जो पहला पार्ट था उसको सेटेलाइट चैनल ओ के लिए स्टार नेटवर्क को बेचा हुआ था जहाँ पे स्टार गोल्ड के ऊपर इस फिल्म का जो पहला पार्ट है दृश्यम 2015 का उसको प्रीमियर करवाया हुआ था वहीं पे डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर दृश्यम को अवेलेबल किया हुआ है तो दृश्यम अगर आपको बिल्कुल फ्री में देखनी है तो डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर देखने को मिल जाएगी विदाउट सब्सक्रिप्शन और कुछ भी देना नहीं है बिल्कुल फ्री में विदाउट फिल्म पे देखने को मिलेगी वहीं पे, उसका सेटेलाइट वर्जन है वो आपको टेलीविजन पे देखने को मिलेगा अब के राइट्स स्टार वालों ने खरीदे या कोई दूसरे दूसरे प्रोडक्शन कंपनीज ने खरीदे वो पता नहीं है अमेजोन प्राइम वीडियो शायद इस फिल्म के राइट्स खरीद सकती है अब देखते

और जो 2015 की दृश्यम है और ये जो दृश्यम टू है 2022 की ये दोनों फिल्में मलयालम फिल्म का रीमेक है दृश्यम टू मलयालम वर्जन में 2021 में बनी थी वहीं पे मलयालम जो ओरिजिनल वर्जन है उसका जो पहला पार्ट है दृश्यम वो 2013 में बना हुआ था सेम नाम के साथ हिंदी वर्जन में अजय देवगन को लीड रोल में लेते हुए इस फिल्म की कहानी को रीमेक किया गया था और वैसे 2013 और 2021 में दृश्यम वन और दृश्यम टू रिलीज़ हुई थी वो दोनों फिल्में मलयालम वर्जन की सबसे बड़ी हिट साबित हुई थी वैसे तो दृश्यम टू है वो डायरेक्ट ओटीटी पे रिलीज़ करवा दी गई थी मलयालम वर्जन में वहाँ पे उसको काफ़ी ज़्यादा एप्रिसिएसन मिला था उसके बाद में तेलुगू रीमेक बना उसके बाद में इस फिल्म का कन्नड़ा में भी रीमेक बना अब इस फिल्म का हिंदी में बन रहा है तो आप सोच सकते हो कि दृश्यम टू भी कितनी अच्छी फिल्म होगी जिसका इतनी सारी लैंग्वेज में रीमेक बन चुका है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है अभिषेक पाठक ने जहाँ पे फिल्म की कहानी है उसका जो एडप्टेशन है वो किया हुआ है आमिल कियान खान ने स्क्रीन प्ले अभिषेक पाठक ने ही लिखा हुआ है जो स्टोरी थ्री ओरिजिनल वो जीतू जोसेफ़ की थी जीतू जोसेफ ने दृष्टि वन ट्रू की कहानी और डिरेक्शन दोनों किया हुआ है मलयालम वर्जन के लिए और तेलुगु वर्जन के लिए इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है भूषण कुमार कुमार मंगत पाठक अभिषेक पाठक कृष्णा कुमार तो ये टोटल चार प्रोड्यूसर्स है जिन्होंने इस फिल्म को पेनोरमा स्टूडियो वाई कॉमेडी स्टूडियो और टी 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 सीरीज फिल्म के नीचे इस फिल्म को बनाया हुआ है तो इस फिल्म को एक अच्छे खासे बजट के साथ बनाया हुआ है तो, तो अजय तो देवगन देखने को मिलेंगे जहाँ पे उन्होंने विजय सालगुनकर का रोल प्ले किया हुआ है जो एक मूवी थिएटर ओनर है और एक एस्पायरिंग फिल्म प्रोड्यूसर है वहीं पे टबू आपको इस फिल्म में मीरा देशमुख के रोल में दिखाई देंगी जो एक फॉर्मर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है जो सेम की

जिन्होंने महेश देशमुख का रोल प्ले किया हुआ है जो मेरा के है है सेम के फादर नेहा जोशी और कमलेश सावंत ये भी आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे तो इस फिल्म के प्रोमिनेट कास्ट है जिन्होंने इन सभी किरदारों में काम किया हुआ है जहां पे इनका रोल फिल्म में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इनके अलावा काफी लंबी सपोर्टिंग कास्ट है जिनका आपको इस फिल्म के रिलीज के बाद पता चलेगा टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी की हुई सुधीर के चौधरी ने एडिटिंग किए हुए संदीप फ्रेंसिस ने म्यूजिक में देवी श्री प्रसाद का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों सुनने को मिलेंगे जहाँ पे इस फिल्म के जो म्यूजिक के राइट्स है वो पेनोरमा स्टूडियो ने अपने पास ही रखे हुए हैं जहाँ पे पेनोरामा म्यूज़िक के ऊपर इस फिल्म के गाने को अवेलेबल करवाया जाएगा और बिलेव प्लेटफॉर्म के ऊपर इस फिल्म के ऑडियो को आपको ऑफिशियल में सुनने को मिलेगा वहीं पे इस फिल्म को पेनोरामा स्टूडियो ही प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट करवा रही है जहाँ पे इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है अब हम बातचीत करें प्रोडक्शन के ऊपर तो दृश्यम टू का यानी कि दृश्यम का जो सिक्वल है दृश्यम टू उसके अनाउंसमेंट दृश्यम जो 2021 में आई थी 2021 में यानी कि दृश्यम टू आई थी मलयालम वर्जन की फिल्म वो जब सक्सेसफुल साबित हुई थी जहाँ पे वो 2013 का सिक्वल था तो उस फिल्म के सक्सेसफुल साबित होने के बाद फरवरी 2021 में एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई कि दृश्यम जो 2015 में हिंदी फिल्म है उसका सिकवल आने वाला है क्योंकि मलयालम तेलुगु वर्जन हिट हो चुके थे जिस वजह से फैसला लिया गया कि इसका हम हिंदी रीमेक बनाएंगे हिंदी राइट्स लेते हुए इस फिल्म को बनाने का फैसला लिया गया जहाँ पे ओरिजिनल जो 2015 की दृश्यम थी उसके डायरेक्टर थे निशिकांत कामत लेकिन उनको कोविड 19 की वजह से कुछ उनके बॉडी इश्यूज़ की वजह से उनकी डेथ हो चुकी थी जिसके चलते इस फिल्म का डायरेक्शन का कमान अभिषेक पाठक को दिया गया था उन्होंने इससे पहले एक फिल्म की हुई थी उजड़ा चमन उसके बाद उनकी दूसरी फिल्में वैसे उजड़ा चमन

बाईस तक पूरी तरह से कंप्लीट करवाया हुआ था हैदराबाद में तो हैदराबाद गोवा ऐसे अलग अलग लोकेशंस में इस फिल्म को शूट किया गया था और मुंबई भी था उसमें हैदराबाद मुंबई गोवा में इस फिल्म को मोस्ट ऑफ शूट किया गया था जहाँ से कंप्लीट करवाते हुए इस फिल्म को सेंसर करवाया गया उसके पहले पोस्ट प्रोडक्शन का, का काम करवाया गया जहाँ पे म्यूजिक मिकसिंग डबिंग मास्टरिंग के ऊपर काम किया हुआ है और इस फिल्म के म्यूजिक के लिए साउथ इंडियन म्यूजिक डायरेक्टर देवी प्रसाद को हायर किया गया एक बेस्ट बी के लिए और एक अच्छा खासा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स के लिए तो एक अच्छा फैसला लिया गया था क्योंकि वहाँ के जो म्यूज़िक होते बी होते वो काफ़ी तगड़ी होती है तो अब देखने वाली बात यह है कि इस वर्जन में उन सभी चीज़ों को वो किस तरह से भुना पाते हैं वैसे इस फिल्म का जो ट्रेलर आउट हुआ है वो वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पे पहला पार्ट एंड हुआ था तो इस फिल्म की कहानी कंटिन्यू है अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसे जरूर देखेगा उसके बाद ये फिल्म देखने का मज़ा आएगा जहाँ पे दृश्यम टू की कहानी में सभी चीज़ों को एक्सटेंड किया गया है केस ओपन हो रहा है जो मर्डर केस हुआ था जिसमें विजय सालगुनकर की फैमिली इन्वॉल्व थी तो उन सभी चीज़ों के ऊपर फिर से एक बार केस हो रहा है जहाँ पे अक्षय कुम अक्षय खन्ना उस केस को टेक ओवर कर रहे हैं और उनको मदद करती हुई नजर आएगी आपको टबू तो इस तरह से इस फिल्म के केस को रीओपन किया हुआ है तब बताया जाएगा कि इन सभी चीज़ों को किस तरह से शो केस किया हुआ था और इसके पीछे जो विजय सालगनकर की जो साजिश थी जिस तरह से उन्होंने उस बॉडी को छुपाया हुआ था तो क्या उनको वो ढूंढ पाएंगे इस केस के पीछे क्या रहस्य है उसको क्या वो पकड़ पाएंगे वो सभी चीजें पूरी तरह से इस फिल्म की कहानी बनाती है तो अब देखने वाली बात है कि इन सभी चीज़ों को क्लाइमेक्स में किस तरह से ख़त्म किया होगा वैसे तो रेशियम टू अगर आपने मलयालम वर्जन की देखी होगी तो इस फिल्म के जो क्लाइमेक्स था उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ की गई थी और पूरी फिल्म को जिस तरह से हैंडल किया हुआ था उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ की गई थी कहानी की जो राइटिंग जो लिखी हुई थी उसको काफ़ी इंटेलिजेंट बताया गया था तो ये सभी चीज़ें इस फिल्म में सेम होने वाली रीमेक फिल्म में लेकिन कुछ एक्टर्स को डाला हुआ इंक्लूड किया हुआ है कुछ कैरेक्टर्स को तो थोड़ा स्क्रीन प्ले में आपको जिस देखने को जरूर मिलेगा अब वो कितना पॉजिटिव वे में जाता है वो इस फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा ट्रेलर टीजर जितना भी आउट हुआ है उससे एक अच्छी खासी वाइब आ रही है दृश्यम का जो वाइब था सेम वाइब आपको इस फिल्म में भी वो नजर आएगी डिगेक्शन का काम अच्छा नजर आ रहा है स्क्रीन प्ले है स्टोरी आइडिया वो अच्छा नजर आ रहा है फिल्म की स्टार कास्ट की परफॉर्मेंसेज बढ़िया नजर आ रही है जो कास्टिंग की हुई है वो परफेक्ट नजर आ रही है इस फिल्म में जो प्रोडक्शन डिजाइन है प्रोडक्शन वैल्यू है काफी अच्छी नज़र आ रही है टॉप नोट नजर आ रहे हैं म्यूजिक डिपार्टमेंट में बढ़िया काम नजर आ रहा है बीजेएम अच्छा है इसके अलावा फिल्म की एडिटिंग के ऊपर जो सीन्स देखने को मिलते हैं वो काफ़ी बढ़िया थे कलर टोन अच्छा है कलर ग्रेडिंग अच्छी है इसके अलावा लाइटिंग इफेक्ट का बढ़िया बढ़िया यूज़ किया हुआ है है काफ़ी नज़र आ रही है। तो ओवरऑल एडिटिंग सिनेमेटोग्राफी टेक्निकल डिपार्टमेंट परफॉर्मेंस इस सभी चीज़ों में फिल्म काफी मजबूत नजर आ रही है अगर वो जो चेंजेस किए हुए हैं वो सही जाते हैं तो ये फिल्म अच्छा स्योर शॉट ब्लॉकबस्टर होने वाली है वैसे फिल्म को 18 नवंबर 2022 को थिएटर में रिलीज करने का फैसला लिया हुआ है तो फिलहाल में तो दृश्यम टू से पहले अजय देवगन की फिल्म एक और आज आने वाली है जिसको दिवाली के मौके के ऊपर राम सेतु तो फिल्म के साथ रिलीज़ करने वाले हैं तो वो फिल्म जब एक बार रिलीज हो जाती है जो उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा उसके बाद इस फिल्म के ऊपर पता चलेगा कि ये फिल्म उनकी कैसी होने वाली है क्योंकि ये फिल्म के और उस फिल्म के बीच में एक मंथ का गैप है जहाँ पे जो थिंग गॉड फिल्म है जिसके बारे में अभी बात कर रहा था उस फिल्म का और इस फिल्म के बीच में एक मंथ का गैप थे वो फिल्म अलग जोनर की है फिल्म टोटली अलग जोनर की है तो बैक टू बैक दो महीने में आपको दो फिल्में देखने को मिलेगी अजय देवगन की और अब देखते हैं कि ये सभी फ़िल्में उनकी किस तरह से जाती है इससे अलावा इसके अलावा उन्होंने रीमेक राइट्स भी खरीद रखे है जहाँ पे दृश्यम टू के अलावा उन्होंने केदी फिल्म के भी रीमेक राइट्स अपने पास रखे हुए हैं नांदी फिल्म के रीमेक राइट्स भी अजय देवगन के पास है तो अब देखने वाली बात है कि उन सभी रिमो रिमेक्स के ऊपर वो किस तरह से कितनी स्पीड में काम करवा पाते हैं इसके अलावा दृश्यम टू अट्ठारह नवंबर 2022 को थिएटर में आ रही है लोगों की एक्साइटमेंट काफी बढ़िया है इस फिल्म के प्रति रीमेक फिल्म है लेकिन पॉजिटिव वाइब नजर आ रही है ऑडियंस का भी पॉजिटिव कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं तो देखते हैं कि ये फिल्म किस तरह की किस कदर की ओपनिंग लेती है जिस तरह से फिल्म का जो बस चल रहा है उस हिसाब से देखने को मिल रहा है कि ये फिल्म फिलहाल में जितनी कोविड के बाद फिल्में आई हुई है उसमें एक अच्छी खासी ओपनिंग ले सकती है सबसे बेहतर ओपनिंग ये फ़िल्म ले सकती है अब देखते हैं कि इन सभी चीज़ों के ऊपर कब तक का हमें क्लेरिफिकेशन मिलता है जब फिल्म रिलीज़ होगी तभी इसके अलावा इस फिल्म को अगर अच्छा वर्ड ऑफ माउथ मिला तो श्योर शॉट ये फिल्म करीबन ढाई सौ करोड़ के आसपास का ग्रोस कलेक्शन कर सकती है वर्ल्ड वाइड तो अब देखने वाली बात यह है कि ये फिल्म किस तरह से जो चेंजेस के साथ दिखाई हुई है वो लोगों को पसंद आती है अगर पसंद आ गए तो ये श्योर शॉट दो सौ ढाई सौ करोड़ का कलेक्शन करेगी अदरवाइज़ ये फिल्म पचास से सत्तर करोड़ में निपट सकती है तो इस फिल्म के रिगार्डिंग इस तरह का ये सभी चीज़ें हो सकती है जितने भी एक्सपेक्ट थे वो मैंने शेयर किए हुए इसके अलावा बाद में इस फिल्म को थिएट्रिकल रिलीज़ के दो ढाई महीने के बाद ओ टी प्रीमियर करवाया जाएगा थिएट्रिकल रिलीज़ के छः सात महीने के बाद सेटेलाइट के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा फिलहाल में ओ टी के ऊपर मेकर्स ने कोई अपडेट नहीं दी हुई कि वो कौन से ओ और सेटेलाइट चैनल के ऊपर इस फिल्म को प्रीमियर करवाने वाले हैं लेकिन जो पहला पार्ट था उसको सेटेलाइट चैनल ओ के लिए स्टार नेटवर्क को बेचा हुआ था जहाँ पे स्टार गोल्ड के ऊपर इस फिल्म का जो पहला पार्ट है दृश्यम 2015 का उसको प्रीमियर करवाया हुआ था वहीं पे डिजनी प्लस हॉट स्टार के ऊपर दृश्यम वन को अवेलेबल किया हुआ है तो दृश्यम वन अगर आपको बिल्कुल फ्री में देखनी है तो डिजनी प्लस हॉट स्टार के ऊपर देखने को मिल जाएगी विदाउट सब्सक्रिप्शन और कुछ भी देना नहीं है बिल्कुल फ्री में विदाउट लोग फिल्म वहां पर देखने को मिलेगी वहीं पर उसका सेटेलाइट वर्जन है वो आपको टेलीविजन पर देखने को मिलेगा अब दृश्यम टू के राइट्स स्टार वालों ने खरीदे या कोई दूसरे दूसरे प्रोडक्शन कंपनीज ने खरीदे वो पता नहीं है अमेजोन प्राइम वीडियो शायद इस फिल्म के राइट्स खरीद सकती है अब देखते

और जो 2015 की दृश्यम है और ये जो दृश्यम टू है 2022 की ये दोनों फिल्में मलयालम फिल्म का रीमेक है दृश्यम टू मलयालम वर्जन में 2021 में बनी थी वहीं पे मलयालम जो ओरिजिनल वर्जन है उसका जो पहला पार्ट है दृश्यम वो 2013 में बना हुआ था सेम नाम के साथ हिंदी वर्जन में अजय देवगन को लीड रोल में लेते हुए इस फिल्म की कहानी को रीमेक किया गया था और वैसे 2013 और 2021 में दृश्यम वन और दृश्यम टू रिलीज़ हुई थी वो दोनों फिल्में मलयालम वर्जन की सबसे बड़ी हिट साबित हुई थी वैसे तो दृश्यम टू है वो डायरेक्ट ओटीटी पे रिलीज़ करवा दी गई थी मलयालम वर्जन में वहाँ पे उसको काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएसन मिला था उसके बाद में तेलुगु रीमेक बना उसके बाद में इस फिल्म का कन्नडा में भी रीमेक बना अब इस फिल्म का हिंदी में बन रहा है तो आप सोच सकते हो कि दृश्यम टू भी कितनी अच्छी फिल्म होगी जिसका इतनी सारी लैंग्वेज में रीमेक बन चुका है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है अभिषेक पाठक ने जहाँ पे फिल्म की कहानी है उसका जो एडेप्टसन है वो किया हुआ है आमिल खान ने स्क्रीन प्ले अभिषेक पाठक ने ही लिखा हुआ है जो स्टोरी थ्री ओरिजिनल वो, वो जीतू जोसेफ़ की थी जीतू जोसेफ ने दृश्य वन ट्रू की कहानी और डिरेक्शन दोनों किया हुआ है मलयालम वर्जन के लिए और तेलुगु वर्जन के लिए इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है भूषण कुमार कुमार मंगत पाठक अभिषेक पाठक कृष्णा कुमार तो ये टोटल चार प्रोड्यूसर्स है जिन्होंने इस फिल्म को पेनोरमा स्टूडियो वाई कॉमेडी स्टूडियो और टी 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 सीरीज फिल्म के नीचे इस को बनाया हुआ है तो इस फिल्म को एक अच्छे खासे के साथ बनाया वाली है, तो एक बड़ा करें तो देवगन देखने को मिलेंगे जहाँ पे उन्होंने विजय सालगुनकर का रोल प्ले किया हुआ है जो एक मूवी थिएटर ओनर है और एक एस्पायरिंग फिल्म प्रोड्यूसर है वहीं पे टबू आपको इस फिल्म में मीरा देशमुख के रोल में दिखाई देंगी जो एक फॉर्मर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है जो सेम की

मिलेंगे जिन्होंने महेश देशमुख का रोल प्ले किया हुआ है जो मेरा के हस्बैंड है वो सेम के फादर है नेहा जोशी और कमलेश सावंत ये भी आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे तो इस फिल्म के प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इन सभी किरदारों में काम किया हुआ है जहाँ पे इनका रोल फिल्म में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है इनके अलावा काफ़ी लंबी सपोर्टिंग कास्ट है जिनका आपको इस फिल्म के रिलीज़ के बाद पता चलेगा टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी किए हुए सुधीर के चौधरी ने एडिटिंग किए हुए संदीप फ्रेंसिस ने म्यूजिक में देवी से प्रसाद का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों सुनने को मिलेंगे दृश्यम टू जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करें तो होता है विजुअल्स टू ये एक 2022 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है वैसे तो ये फिल्म दो की जो दृश्यम है उसका सिक्वल है और जो 2015 की दृश्यम है और ये जो दृश्यम टू है 2022 की ये दोनों फिल्में मलयालम फिल्म का रीमेक है दृश्यम टू मलयालम वर्जन में 2021 में बनी थी वहीं पे मलयालम जो ओरिजिनल वर्जन है उसका जो पहला पार्ट है दृश्यम वो 2013 में बना हुआ था सेम नाम के साथ हिंदी वर्जन में अजय देवगन को लीड रोल में लेते हुए इस फिल्म की कहानी को रीमेक किया गया था और वैसे 2013 और 2021 में दृश्यम वन और दृश्यम टू रिलीज़ हुई थी वो दोनों फिल्में मलयालम वर्जन की सबसे बड़ी हिट साबित हुई थी वैसे तो दृश्यम टू है वो डायरेक्ट ओ टी पे रिलीज़ करवा दी गई थी मलयालम वर्जन में वहाँ पे उसको काफ़ी ज़्यादा एप्रिसिएसन मिला था उसके बाद में तेलुगु रीमेक बना उसके बाद में इस फिल्म का कन्नड़ा में भी रीमेक बना अब इस फिल्म का हिंदी में बन रहा है तो आप सोच सकते हो कि दृश्यम टू भी कितनी अच्छी फिल्म होगी जिसका इतनी सारी लैंग्वेज में रीमेक बन चुका है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है अभिषेक पाठक ने जहाँ पे फिल्म की कहानी है उसका जो एडप्टेशन है वो किया हुआ है आमिल कियान खान ने स्क्रीन प्ले अभिषेक पाठक ने ही लिखा हुआ है जो स्टोरी थ्री ओरिजिनल वो, वो जीतू जोसेफ़ की थी जीतू जोसेफ ने दृश्य वन ट्रू की कहानी और डिरेक्शन दोनों किया हुआ है मलयालम वर्जन के लिए और तेलुगु वर्जन के लिए इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है भूषण कुमार कुमार मंगत पाठक अभिषेक पाठक कृष्ण कुमार तो ये टोटल चार प्रोड्यूसर्स है जिन्होंने इस फिल्म को पेनोरमा स्टूडियो वाई कॉमेडी स्टूडियो और टी 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 सीरीज फिल्म के नीचे इस फिल्म को बनाया हुआ है तो इस फिल्म को एक अच्छे खासे बजट के साथ बनाया हुआ है जहां से पता चल रहा है कि इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाने वाली है पिनोरमा स्टूडियो तो एक बड़ा प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है तो इस फिल्म को एक अच्छे खासे रिलीज मिलने वाली है इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो अजय देवगन देखने को मिलेंगे जहाँ पे उन्होंने विजय सालगुनकर का रोल प्ले किया हुआ है जो एक मूवी थिएटर ओनर है और एक एस्पायरिंग फिल्म प्रोड्यूसर है वहीं पे ट्बू आपको इस फिल्म में मीरा देशमुख के रोल में दिखाई देंगी जो एक फॉर्मर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है जो सेम

करेंगे जिन्होंने महेश देशमुख का रोल प्ले किया हुआ है जो मेरा के हस्बैंड है और सेम के फादर है नेहा जोशी और कमलेश सावंत ये भी आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे तो इस फिल्म के प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इन सभी किरदारों में काम किया हुआ है जहाँ पे इनका रोल फिल्म में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है इनके अलावा काफ़ी लंबी सपोर्टिंग कास्ट है जिनका आपको इस फिल्म के रिलीज़ के बाद पता चलेगा टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी की हुए सुधीर के चौधरी ने एडिटिंग किए हुए संदीप फ्रेंसिस ने म्यूजिक में देवी श्री प्रसाद का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों सुनने को मिलेंगे जहाँ पे इस फिल्म के जो म्यूजिक के राइट्स है वो पेनोरमा स्टूडियो ने अपने पास ही रखे हुए हैं जहाँ पे पेनोरमा म्यूज़िक के ऊपर इस फिल्म के गाने को अवेलेबल करवाया जाएगा और बिलेव प्लेटफॉर्म के ऊपर इस फिल्म के ऑडियो को आपको ऑफिशियल में सुनने को मिलेगा वहीं पे इस फिल्म को पेनोरमा स्टूडियो ही प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट करवा रही है जहाँ पे इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है अब हम बातचीत करें प्रोडक्शन के ऊपर तो दृश्यम टू का यानी कि दृश्यम का जो सिक्वल है दृश्यम टू उसके अनाउंसमेंट दृश्यम जो 2021 में आई थी 2021 में यानी कि दृश्यम टू आई थी मलयालम वर्जन की फिल्म वो जब सक्सेसफुल साबित हुई थी जहाँ पे वो 2013 का सिक्वल था तो उस फिल्म के सक्सेसफुल साबित होने के बाद फरवरी 2021 में एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई कि दृश्यम जो 2015 में हिंदी फिल्म है उसका सिक्वल आने वाला है क्योंकि मलयालम तेलुगु वर्जन हिट हो चुके थे जिस वजह से फैसला लिया गया कि इसका हम हिंदी रीमेक बनाएंगे हिंदी राइट्स लेते हुए इस फिल्म को बनाने का फैसला लिया गया जहाँ पे ओरिजिनल जो 2015 की दृश्यम थी उसके डायरेक्टर थे निशिकांत कामंत लेकिन उनको कोविड नाइन्टीन की वजह से कुछ उनके बॉडी इश्यूज़ की वजह से उनकी डेथ हो चुकी थी जिसके चलते इस फिल्म का डायरेक्शन का कमान अभिषेक पाठक को दिया गया था उन्होंने इससे पहले एक फिल्म की हुई थी उजड़ा चमन उसके बाद उनकी दूसरी फिल्में वैसे उजड़ा चमन कोई कन्नड़ा फिल्म की रीमेक थी इसके अलावा जो ये फिल्म है तो दो, दोनों उजड़ा चमन को अच्छी तरह से के साथ वो अपना काम किस तरह का दिखा पाते है। इसके अलावा फिल्म की फोटोग्राफी है वो स्टार्ट की गई थी सत्रह फरवरी दो हजार बाईस को वहीं पर इस फिल्म का जो शूटिंग है ज्यादातर गोवा में किया हुआ है अक्षय खन्ना ने इस फिल्म के सेट को तीस अप्रैल दो हजार बाईस को ज्वाइन किया हुआ था फिल्म की शूटिंग को इक्कीस जून दो हजार बाईस तक पूरी तरह से कंप्लीट करवाया हुआ था हैदराबाद में तो हैदराबाद गोवा इसे अलग अलग लोकेशंस में इस फिल्म को शूट किया गया था और मुंबई भी था उसमें हैदराबाद मुंबई गोवा में इस फिल्म को मोस्ट ऑफ शूट किया गया था जहाँ से कंप्लीट करवाते हुए इस फिल्म को सेंसर करवाया गया उसके पहले पोस्ट प्रोडक्शन का, का काम करवाया गया जहाँ पे म्यूजिक मिक्सिंग डबिंग मास्टरिंग के ऊपर काम किया हुआ है और इस फिल्म के म्यूजिक के लिए साउथ इंडियन म्यूजिक डायरेक्टर देवी प्रसाद को हायर किया गया एक बेस्ट बी के लिए और एक अच्छा खासा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स के लिए तो एक अच्छा फैसला लिया गया था क्योंकि वहाँ के जो म्यूज़िक होते बी होते वो काफ़ी तगड़ी होती है तो अब देखने वाली बात यह है कि इस वर्जन में उन सभी चीज़ों को वो किस तरह से भुना पाते हैं वैसे इस फिल्म का जो ट्रेलर आउट हुआ है वो वहीं से स्टार्ट हो रहा है जहाँ पे पहला पार्ट एंड हुआ था तो इस फिल्म की कहानी कंटिन्यू है अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसे जरूर देखेगा उसके बाद ये फिल्म देखने का मजा आएगा जहाँ पे दृश्यम टू की कहानी में सभी चीज़ों को एक्सटेंड किया गया है केस ओपन हो रहा है जो मर्डर केस हुआ था जिसमें विजय सालगुनकर की फैमिली इन्वॉल्व थी तो उन सभी चीज़ों के ऊपर फिर से एक बार केस हो रहा है जहाँ पे अक्षय कुम अक्षय खन्ना उस केस को टेक ओवर कर रहे हैं और उनको मदद करती हुई नजर आएगी आपको टबू तो इस तरह से इस फिल्म के केस को रीओपन किया हुआ है तब बताया जाएगा कि इन सभी चीजों को किस तरह से किया हुआ था और इसके पीछे जो विजय सालगनकर की जो साजिश थी जिस तरह से उन्होंने उस बॉडी को छुपाया हुआ था तो क्या उनको वो ढूंढ पाएंगे इस केस के पीछे क्या रहस्य है उसको क्या वो पकड़ पाएंगे वो सभी चीजें पूरी तरह से इस फिल्म की कहानी बनाती है तो अब देखने वाली बात है कि इन सभी चीज़ों को क्लाइमेक्स में किस तरह से खत्म किया होगा वैसे तो रिशेंट टू अगर आपने मलयालम वर्जन की देखी होगी तो इस फिल्म के जो क्लाइमेक्स था उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ की गई थी और पूरी फिल्म को जिस तरह से हैंडल किया हुआ था उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ की गई थी कहानी की जो राइटिंग जो लिखी हुई थी उसको काफ़ी इंटेलिजेंट बताया गया था तो ये सभी चीज़ें इस फिल्म में सेम होने वाली रीमेक फिल्म में लेकिन कुछ एक्टर्स को डाला हुआ इंक्लूड किया हुआ है कुछ कैरेक्टर्स को तो थोड़ा स्क्रीन प्ले में आपको जिस देखने को जरूर मिलेगा अब वो कितना पॉजिटिव वे में जाता है वो इस फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा ट्रेलर टीजर जितना भी आउट हुआ है उससे एक अच्छी खासी वाइब आ रही है दृश्यम का जो वाइब था सेम वाइब आपको इस फिल्म में भी वो नज़र आएगी डिरेक्शन का काम अच्छा नज़र आ रहा है स्क्रीन प्ले है स्टोरी आइडिया वो अच्छा नज़र आ रहा है फिल्म की स्टार कास्ट की परफॉर्मेंसेज बढ़िया नज़र आ रही है जो कास्टिंग की हुई है वो परफेक्ट नज़र आ रही है इस फिल्म में जो प्रोडक्शन डिजाइन है प्रोडक्शन वैल्यू है काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है टॉप नोट नज़र आ रहे हैं म्यूजिक डिपार्टमेंट में बढ़िया काम नजर आ रहा है बीजेम अच्छा है इसके अलावा फिल्म की एडिटिंग के ऊपर अच्छा आ रही है तो ओवरऑल एडिटिंग टेक्निकल डिपार्टमेंट परफॉर्मेंस इस सभी चीज़ों में फिल्म काफी मजबूत नजर आ रही है अगर वो जो चेंजेस किए हुए वो सही जाते हैं तो ये फिल्म अच्छा स्योर शॉर्ट ब्लॉकबस्टर होने वाली है वैसे फिल्म को अट्ठारह नवंबर दो को थिएटर में रिलीज करने का फैसला लिया हुआ है तो फिलहाल में तो दृश्यम टू से पहले अजय देवगन की फिल्म एक और आज आने वाली है जिसको दिवाली के मौके के ऊपर राम सेतु तो फिल्म के साथ रिलीज़ करने वाले हैं तो वो फिल्म जब एक बार रिलीज़ हो जाती है जो उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा उसके बाद इस फिल्म के ऊपर पता चलेगा कि ये फिल्म उनकी कैसी होने वाली है क्योंकि ये फिल्म के और उस फिल्म के बीच में एक मंथ का गैप है जहाँ पे जो थिंग गॉड फिल्म है जिसके बारे में अभी बात कर रहा था उस फिल्म का और इस फिल्म के बीच में एक मंथ का गैप थे वो फिल्म अलग जोनर की है फिल्म टोटली अलग जोनर की है तो बैक टू बैक दो महीने में आपको दो फिल्में देखने को मिलेगी अजय देवगन की और अब देखते हैं कि ये सभी फिल्में उनकी किस तरह से जाती है इससे अला इसके अलावा उन्होंने रीमेक राइट्स भी खरीदे रखे है जहाँ पर दृश्यम टू के अलावा उन्होंने केदी फिल्म के भी रीमेक राइट्स अपने पास रखे हुए हैं नांदी फिल्म के रीमेक राइट्स भी अजय देवगन के पास है जब देखने वाली बात उन सभी रिमोक रिमेक्स के ऊपर वो किस तरह से कितनी स्पीड में काम करवा पाते हैं इसके अलावा दृश्यम नवंबर दो नवंबर 2022 को थिएटर में आ रही है लोगों की एक्साइटमेंट काफी बढ़िया है इस फिल्म के प्रति रिमेक फिल्म है, लेकिन पॉजिटिव वाइब नज़र आ रही है ऑडियंस का भी पॉजिटिव कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं तो देखते हैं कि ये फिल्म किस तरह की किस कदर की ओपनिंग लेती है जिस तरह से फिल्म का जो बस चल रहा है उस हिसाब से देखने को मिल रहा है कि ये फिल्म फिलहाल में जितनी कोविड के बाद फिल्में आई हुई है उसमें एक अच्छी खासी ओपनिंग ले सकती है सबसे बेहतर ओपनिंग ये फ़िल्म ले सकती है अब देखती है कि इन सभी चीज़ों के ऊपर कब तक का हमें क्लेरिफिकेशन मिलता है जब फिल्म रिलीज़ होगी तभी इसके अलावा इस फिल्म को अगर अच्छा वर्ड ऑफ माउथ मिला तो श्योर शॉट ये फिल्म करीबन ढाई करोड़ के आसपास का ग्रॉस कलेक्शन कर सकती है वर्ल्ड वाइड तो अब देखने वाली बात ये है कि ये फिल्म किस तरह से जो चेंजेस के साथ दिखाई हुई है वह तो लोगों को पसंद आती है अगर पसंद आ गए तो ये श्योर शॉट दो सौ सौ करोड़ का कलेक्शन करेगी अदरवाइज़ ये फिल्म पचास से सत्तर करोड़ में निपट सकती है तो इस फिल्म के रिगार्डिंग इस तरह का ये सभी चीज़ें हो सकती है जितने भी एस्पेक्ट हैं वो मैंने शेयर किए हुए इसके अलावा बाद में इस फिल्म को थिएट्रिकल रिलीज़ के दो ढाई महीने के बाद ओ टी टी प्रीमियर करवाया जाएगा थिएट्रिकल रिलीज़ के छः सात महीने के बाद सेटेलाइट के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा फिलहाल में ओ टी के ऊपर मेकर्स ने कोई अपडेट नहीं दी हुई है कि वो कौन से ओ और सेटेलाइट चैनल के ऊपर इस फिल्म को प्रीमियर करवाने वाले हैं लेकिन जो पहला पार्ट था उसको सेटेलाइट चैनल ओ के लिए स्टार नेटवर्क को बेचा हुआ था जहाँ पे स्टार गोल्ड के ऊपर इस फिल्म का जो पहला पार्ट है दृश्यम 2015 का उसको करवाया हुआ था वहीं पे डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर दृश्यम को अवेलेबल किया हुआ है तो दृश्यम अगर आपको बिल्कुल फ्री में देखनी है तो डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर देखने को मिल जाएगी विदाउट सब्सक्रिप्शन और कुछ भी देना नहीं है बिल्कुल फ्री में विदाउट फिल्म पे देखने को मिलेगी वहीं पे उसका सेटेलाइट वर्जन है वो आपको टेलीविजन पे देखने को मिलेगा अब दृश्यम के राइट्स स्टार वालों ने खरीदे या कोई दूसरे दूसरे प्रोडक्शन कंपनीज ने खरीदे वो पता नहीं है अमेजन प्राइम वीडियो शायद इस फिल्म के राइट्स खरीद सकती है अब देखते

और जो 2015 की दृश्यम है और ये जो दृश्यम टू है 2022 की ये दोनों फिल्में मलयालम फिल्म का रीमेक है दृश्यम टू मलयालम वर्जन में 2021 में बनी थी वहीं पे मलयालम जो ओरिजिनल वर्जन है उसका जो पहला पार्ट है दृश्यम वो 2013 में बना हुआ था सेम नाम के साथ हिंदी वर्जन में अजय देवगन को लीड रोल में लेते हुए इस फिल्म की कहानी को रीमेक किया गया था और वैसे 2013 और 2021 में दृश्यम वन और दृश्यम टू रिलीज़ हुई थी वो दोनों फिल्में मलयालम वर्जन की सबसे बड़ी हिट साबित हुई थी वैसे तो दृश्यम टू है वो डायरेक्ट ओटीटी पे रिलीज़ करवा दी गई थी मलयालम वर्जन में वहाँ पे उसको काफ़ी ज़्यादा एप्रिसिएसन मिला था उसके बाद में तेलुगू रीमेक बना उसके बाद में इस फिल्म का कन्नड़ा में भी रीमेक बना अब इस फिल्म का हिंदी में बन रहा है तो आप सोच सकते हो कि दृश्यम टू भी कितनी अच्छी फिल्म होगी जिसका इतनी सारी लैंग्वेज में रीमेक बन चुका है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है अभिषेक पाठक ने जहाँ पे फिल्म की कहानी है उसका जो एडप्टेशन है वो किया हुआ है आमिल कियान खान ने स्क्रीन प्ले अभिषेक पाठक ने ही लिखा हुआ है जो स्टोरी थ्री ओरिजिनल वो, वो जीतू जोसेफ़ की थी जीतू जोसेफ ने दृश्य वन ट्रू की कहानी और डिरेक्शन दोनों किया हुआ है मलयालम वर्जन के लिए और तेलुगु वर्जन के लिए इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है भूषण कुमार कुमार मंगत पाठक अभिषेक पाठक कृष्णा कुमार तो ये टोटल चार प्रोड्यूसर्स है जिन्होंने इस फिल्म को पेनोरमा स्टूडियो वाई कॉमेडी स्टूडियो और टी टी सीरीज फिल्म के नीचे इस फिल्म को बनाया हुआ है तो इस फिल्म को एक अच्छे खासे बजट के साथ बनाया हुआ है तो, तो अजय तो देवगन देखने को मिलेंगे जहाँ पे उन्होंने विजय सालगुनकर का रोल प्ले किया हुआ है जो एक मूवी थिएटर ओनर है और एक एस्पायरिंग फिल्म प्रोड्यूसर है वहीं पे टबू आपको इस फिल्म में मीरा देशमुख के रोल में दिखाई देंगी जो एक फॉर्मर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है जो सेम की

जिन्होंने महेश देशमुख का रोल प्ले किया हुआ है जो मेरा के हस्बैंड है है सेम के फादर नेहा जोशी और कमलेश सावंत ये भी आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे तो इस फिल्म के प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इन सभी किरदारों में काम किया हुआ है जहाँ पे इनका रोल फिल्म में काफी ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है इनके अलावा काफी लंबी सपोर्टिंग कास्ट है जिनका आपको इस फिल्म के रिलीज के बाद पता चलेगा टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी किए हुए सुधीर के चौधरी ने एडिटिंग किए हुए संदीप फ्रेंसिस ने म्यूजिक में देवी श्री प्रसाद का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों सुनने को मिलेंगे जहाँ पे इस फिल्म के जो म्यूजिक के राइट्स है वो पेनोरमा स्टूडियो ने अपने पास ही रखे हुए हैं जहाँ पे पैनोरमा म्यूज़िक के ऊपर इस फिल्म के गाने को अवेलेबल करवाया जाएगा और बिले प्लेटफॉर्म के ऊपर इस फिल्म के ऑडियो को आपको ऑफिशियल में सुनने को मिलेगा वहीं पे इस फिल्म को पैनोरमा स्टूडियो ही प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट करवा रही है जहाँ पे इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है अब हम बातचीत करें प्रोडक्शन के ऊपर तो दृश्यम टू का यानी कि दृश्यम का जो सिक्वल है दृश्यम टू उसके अनाउंसमेंट दृश्यम जो 2021 में आई थी 2021 में यानी कि दृश्यम टू आई थी मलयालम वर्जन की फिल्म वो जब सक्सेसफुल साबित हुई थी जहाँ पे वो 2013 का सिक्वल था तो उस फिल्म के सक्सेसफुल साबित होने के बाद फरवरी 2021 में एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई कि दृश्यम जो 2015 में हिंदी फिल्म है उसका सिक्वल आने वाला है क्योंकि मलयालम तेलुगु वर्जन हिट हो चुके थे जिस वजह से फैसला लिया गया कि इसका हम हिंदी रीमेक बनाएंगे हिंदी राइट्स लेते हुए इस फिल्म को बनाने का फैसला लिया गया जहाँ पे ओरिजिनल जो 2015 की दृश्यम थी उसके डायरेक्टर थे निशिकांत कामंत लेकिन उनको कोविड 19 की वजह से कुछ उनके बॉडी इश्यूज़ की वजह से उनकी डेथ हो चुकी थी जिसके चलते इस फिल्म का डायरेक्शन का कमान अभिषेक पाठक को दिया गया था उन्होंने इससे पहले एक फिल्म की हुई थी उजड़ा चमन उसके बाद उनकी दूसरी फिल्में वैसे उजड़ा चमन कोई कंडा फिल्म की रिमेक थी इसके अलावा जो ये फिल्म की है, है तो दोनों का दिखा पाते स्टार्ट की गई थी सत्रह फरवरी दो हजार बाईस को वहीं पे इस फिल्म का जो शूटिंग है ज्यादातर गोवा में किया हुआ है अक्षय खन्ना ने इस फिल्म के सेट को तीस अप्रैल दो हजार बाईस को ज्वाइन किया हुआ था फिल्म की शूटिंग को इक्कीस जून दो हजार बाईस तक पूरी तरह से कंप्लीट करवाया हुआ था हैदराबाद में तो हैदराबाद गोवा इसे अलग अलग लोकेशंस में इस फिल्म को शूट किया गया था और मुंबई भी था उसमें हैदराबाद मुंबई गोवा में इस फिल्म को मोस्ट ऑफ शूट किया गया था जहाँ से कम्प्लीट करवाते हुए इस फिल्म को सेंसर करवाया गया उसके पहले पोस्ट प्रोडक्शन का काम का का करवाया गया जहाँ पे म्यूजिक मिकसिंग डबिंग मास्टरिंग के ऊपर काम किया हुआ है और इस फिल्म के म्यूजिक के लिए साउथ इंडियन म्यूजिक डायरेक्टर देवी श्री प्रसाद को हायर किया गया एक बेस्ट बीजेम के लिए और एक अच्छा खासा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स के लिए तो एक अच्छा फैसला लिया गया था क्योंकि वहाँ के जो म्यूज़िक होते बी होते वो काफ़ी तगड़ी होती है तो अब देखने वाली बात यह है कि इस वर्जन में उन सभी चीज़ों को वो किस तरह से भुना पाते हैं वैसे इस फिल्म का जो ट्रेलर आउट हुआ है

जाएगा कि इन सभी चीज़ों को किस तरह से शो केस किया हुआ था और इसके पीछे जो विजय सालगनकर की जो साजिश थी जिस तरह से उन्होंने उस बॉडी को छुपाया हुआ था तो क्या उनको वो ढूंढ पाएंगे इस केस के पीछे क्या रहस्य है उसको क्या वो पकड़ पाएंगे वो सभी चीज़ें पूरी तरह से इस फिल्म की कहानी बनाती है तो अब देखने वाली बात है कि इन सभी चीज़ों को क्लाइमेक्स में किस तरह से ख़त्म किया होगा वैसे तो रिश्यम टू अगर आपने मलयालम वर्जन की देखी होगी तो इस फिल्म के जो क्लाइमेक्स था उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ की गई थी और पूरी फिल्म को जिस तरह से हैंडल किया हुआ था उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ की गई थी कहानी की जो राइटिंग जो लिखी हुई थी उसको काफ़ी इंटेलिजेंट बताया गया था तो ये सभी चीज़ें इस फिल्म में सेम होने वाली रीमेक फिल्म में लेकिन कुछ एक्टर्स को डाला हुआ इंक्लूड किया हुआ है कुछ कैरेक्टर्स को तो थोड़ा स्क्रीन प्ले में आपको जिस देखने को जरूर मिलेगा अब वो कितना पॉजिटिव वे में जाता है वो इस फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा ट्रेलर टीजर जितना भी आउट हुआ है उससे एक अच्छी खासी वाइब आ रही है दृश्यम का जो वाइब था सेम वाइब आपको इस फिल्म में भी वो नजर आएगी डिरेक्शन का काम अच्छा नजर आ रहा है स्क्रीन प्ले है स्टोरी आइडिया वो अच्छा नजर आ रहा है फिल्म की स्टार कास्ट की परफॉर्मेंसेज बढ़िया नजर आ रही है जो कास्टिंग की हुई है वो परफेक्ट नजर आ रही है इस फिल्म में जो प्रोडक्शन डिजाइन है प्रोडक्शन वैल्यू है काफी अच्छी नजर आ रही है टॉप नोट नजर आ रहे हैं म्यूजिक डिपार्टमेंट में बढ़िया काम नजर आ रहा है बीजेएम अच्छा है इसके अलावा है फिल्म की एडिटिंग के ऊपर जो सीन्स देखने को मिलते हैं वो काफी बढ़िया थे कलर टोन अच्छा है कलर ग्रेडिंग अच्छी है इसके अलावा लाइटिंग इफेक्ट का बढ़िया यूज़ किया हुआ है सिनेमेटोग्राफी काफी बढ़िया नजर आ रही है तो ओवरऑल एडिटिंग सिनेमेटोग्राफी टेक्निकल डिपार्टमेंट परफॉर्मेंस इस सभी चीज़ों में फिल्म काफी मजबूत नजर आ रही है अगर वो जो चेंजेस किए हुए वो सही जाते हैं तो ये फिल्म अच्छा स्योर शॉट ब्लॉकबस्टर होने वाली है वैसे फिल्म को 18 नवंबर 2022 को थिएटर में रिलीज करने का फैसला लिया हुआ है तो फिलहाल में तो दृश्यम टू से पहले अजय देवगन की फिल्म एक और आज आने वाली है जिसको दिवाली के मौके के ऊपर राम सेतु तो फिल्म के साथ रिलीज़ करने वाले हैं तो वो फिल्म जब एक बार रिलीज़ हो जाती है जो उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा उसके बाद इस फिल्म के ऊपर पता चलेगा कि ये फिल्म उनकी कैसी होने वाली है क्योंकि ये फिल्म के और उस फिल्म के बीच में एक मंथ का गैप है जहाँ पे जो थिंग गॉड फिल्म है जिसके बारे में अभी बात कर रहा था उस फिल्म का और इस फिल्म के बीच में एक मंथ का गैप थे वो फिल्म अलग जोनर की है फिल्म टोटली अलग जोनर की है तो बैक टू बैक दो महीने में आपको दो फिल्में देखने को मिलेगी अजय देवगन की और अब देखते हैं कि ये सभी फिल्में उनकी किस तरह से जाती है इससे अलावा इसके अलावा उन्होंने रीमेक राइट्स भी खरीदे रखे है जहाँ पे दृश्यम टू के अलावा उन्होंने केदी फिल्म के भी रीमेक राइट्स अपने पास रखे हुए हैं नांदी फिल्म के रीमेक राइट भी अजय देवगन के पास है तो अब देखने वाली बात उन सभी रिमोट रिमेक्स के ऊपर वो किस तरह से कितनी स्पीड में काम करवा पाते हैं इसके अलावा दृश्यम टू अट्ठारह नवंबर 2022 को थिएटर में आ रही है लोगों की एक्साइटमेंट काफी बढ़िया है इस फिल्म के प्रति रीमेक फिल्म है लेकिन पॉजिटिव वाइब नजर आ रही है ऑडियंस का भी पॉजिटिव कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं तो देखते हैं कि ये फिल्म किस तरह की किस कदर की ओपनिंग लेती है जिस तरह से फिल्म का जो बस चल रहा है उस हिसाब से देखने को मिल रहा है कि ये फिल्म फिलहाल में जितनी कोविड के बाद फिल्में आई हुई है उसमें एक अच्छी खासी ओपनिंग ले सकती है सबसे बेहतर ओपनिंग ये फ़िल्म ले सकती है अब देखते हैं कि इन सभी चीज़ों के ऊपर कब तक का हमें क्लेरिफिकेशन मिलता है जब फिल्म रिलीज़ होगी तभी इसके अलावा इस फिल्म को अगर अच्छा वर्ड ऑफ माउथ मिला तो श्योर शॉट ये फिल्म करीबन ढाई सौ करोड़ के आसपास का ग्रोस कलेक्शन कर सकती है वर्ल्ड वाइड तो अब देखने वाली बात यह है कि यह फिल्म किस तरह से जो चेंजेस के साथ दिखाई हुई है वो लोगों को पसंद आती है अगर पसंद आ गए तो ये श्योर शॉट दो सौ ढाई सौ करोड़ का कलेक्शन करेगी अदरवाइज़ ये फिल्म पचास से सत्तर करोड़ में निपट सकती है तो इस फिल्म के रिगार्डिंग इस तरह का ये सभी चीज़ें हो सकती है जितने भी एक्सपेक्ट थे वो मैंने शेयर किए हुए इसके अलावा बाद में इस फिल्म को थिएट्रिकल रिलीज़ के दो ढाई महीने के बाद ओ टी प्रीमियर करवाया जाएगा थिएट्रिकल रिलीज़ के छः सात महीने के बाद सेटेलाइट के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा फिलहाल में ओ टी के ऊपर मेकर्स ने कोई अपडेट नहीं दी हुई है कि वो कौन से ओ और सेटेलाइट चैनल के ऊपर इस फिल्म को प्रीमियर करवाने वाले लेकिन जो पहला पार्ट था उसको सेटेलाइट चैनल ओ के लिए स्टार नेटवर्क को बेचा हुआ था जहाँ पे स्टार गोल्ड के ऊपर इस फिल्म का जो पहला पार्ट है दृश्यम 2015 का उसको प्रीमेर कर करवाया हुआ था वहीं पे डिजनी प्लस होटस्टार के ऊपर दृश्यम वन को अवेलेबल किया हुआ है तो दृश्यम वन अगर आपको बिल्कुल फ्री में देखनी है तो डिजनी प्लस हॉट स्टार के ऊपर देखने को मिल जाएगी विदाउट सब्सक्रिप्शन और कुछ भी देना नहीं है बिल्कुल फ्री में विदाउट लोग फिल्म वहां पर देखने को मिलेगी वहीं पर उसका सेटेलाइट वर्जन है वो आपको टेलीविजन पर देखने को मिलेगा अब दृश्यम टू के राइट्स स्टार वालों ने खरीदे या कोई दूसरे दूसरे प्रोडक्शन कंपनीज ने खरीदे वो पता नहीं है अमेजोन प्राइम वीडियो शायद इस फिल्म के राइट्स खरीद सकती है अब देखते

और जो 2015 की दृश्यम है और ये जो दृश्यम टू है 2022 की ये दोनों फिल्में मलयालम फिल्म का रीमेक है दृश्यम टू मलयालम वर्जन में 2021 में बनी थी वहीं पे मलयालम जो ओरिजिनल वर्जन है उसका जो पहला पार्ट है दृश्यम वो 2013 में बना हुआ था सेम नाम के साथ हिंदी वर्जन में अजय देवगन को लीड रोल में लेते हुए इस फिल्म की कहानी को रीमेक किया गया था और वैसे 2013 और 2021 में दृश्यम वन और दृश्यम टू रिलीज़ हुई थी वो दोनों फिल्में मलयालम वर्जन की सबसे बड़ी हिट साबित हुई थी वैसे तो दृश्यम टू है वो डायरेक्ट ओटीटी पे रिलीज़ करवा दी गई थी मलयालम वर्जन में वहाँ पे उसको काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएसन मिला था उसके बाद में तेलुगू रीमेक बना उसके बाद में इस फिल्म का कन्नडा में भी रीमेक बना अब इस फिल्म का हिंदी में बन रहा है तो आप सोच सकते हो कि दृश्यम टू भी कितनी अच्छी फिल्म होगी जिसका इतनी सारी लैंग्वेज में रीमेक बन चुका है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है अभिषेक पाठक ने जहाँ पे फिल्म की कहानी है उसका जो एडप्टेशन है वो किया हुआ है आमिल कियान खान ने स्क्रीन प्ले अभिषेक पाठक ने ही लिखा हुआ है जो स्टोरी थ्री ओरिजिनल वो, वो जीतू जोसेफ़ की थी जीतू जोसेफ ने दृश्य वन ट्रू की कहानी और डिरेक्शन दोनों किया हुआ है मलयालम वर्जन के लिए और तेलुगु वर्जन के लिए इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है भूषण कुमार कुमार मंगत पाठक अभिषेक पाठक कृष्णा कुमार तो ये टोटल चार प्रोड्यूसर्स है जिन्होंने इस फिल्म को पेनोरमा स्टूडियो वाई कॉमेडी स्टूडियो और टी 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 सीरीज फिल्म के नीचे इस

इसके अलावा सर ने नंदनी सालगोनकर का रोल प्ले किया हुआ है जो विजय की वाइफ है वहीं पे अक्षय खन्ना पुलिस ऑफिसर वाला है वो ओरिजिनल वर्जन में आपको वहीं वही पे इसी तादत्ता आपको अंजू सालगौनकर के रोल में दिखाई देंगी जो विजय और नंदनी की एल्डर डॉटर है मृणाल यादव ने इस फिल्म में अनु सालगोनकर का रोल प्ले किया हुआ है जो विजय और नंदनी की यंगर डॉटर है रजत कपूर देखने को मिलेगा जिन्होंने महेश देशमुख का रोल प्ले किया हुआ है मेरा है है जो के के हस्बैंड और सेम फादर नेहा जोशी और कमलेश सावंत ये भी आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे तो इस फिल्म के प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इन सभी किरदारों में काम किया हुआ है जहां पे इनका रोल फिल्म में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इनके अलावा काफी लंबी सपोर्टिंग कास्ट है जिनका आपको इस फिल्म के रिलीज के बाद पता चलेगा टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी किए हुए सुधीर के चौधरी ने एडिटिंग किए हुए संदीप फ्रेंसिस ने म्यूजिक में देवी प्रसाद का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों सुनने को मिलेंगे जहाँ पे इस फिल्म के जो म्यूजिक के राइट्स है वो पेनोरमा स्टूडियो ने अपने पास ही रखे हुए हैं जहाँ पे पैनोरमा म्यूज़िक के ऊपर इस फिल्म के गाने को अवेलेबल करवाया जाएगा और बिलेव प्लेटफॉर्म के ऊपर इस फिल्म के ऑडियो को आपको ऑफिशियल में सुनने को मिलेगा वहीं पे इस फिल्म को पैनोरमा स्टूडियो ही प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट करवा रही है जहाँ पे इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है अब हम बातचीत करें प्रोडक्शन के ऊपर तो दृश्यम टू का यानी कि दृश्यम का जो सिक्वल है दृश्यम टू उसके अनाउंसमेंट दृश्यम जो 2021 में आई थी 2021 में यानी कि दृश्यम टू आई थी मलयालम वर्जन की फिल्म वो जब सक्सेसफुल साबित हुई थी जहाँ पे वो 2013 का सिक्वल था तो उस फिल्म के सक्सेसफुल साबित होने के बाद फरवरी 2021 में एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई कि दृश्यम जो 2015 में हिंदी फिल्म है उसका सिक्वल आने वाला है क्योंकि मलयालम तेलुगु वर्जन हिट हो चुके थे जिस वजह से फैसला लिया गया कि इसका हम हिंदी रीमेक बनाएंगे हिंदी राइट्स लेते हुए इस फिल्म को बनाने का फैसला लिया गया जहाँ पे ओरिजिनल जो 2015 की दृश्यम थी उसके डायरेक्टर थे निशिकांत कामंत लेकिन उनको कोविड 19 की वजह से कुछ उनके बॉडी इश्यूज़ की वजह से उनकी डेथ हो चुकी थी जिसके चलते इस फिल्म का डायरेक्शन का कमान अभिषेक पाठक को दिया गया था उन्होंने इससे पहले एक फिल्म की हुई थी उजड़ा चमन उसके बाद उनकी दूसरी फिल्में वैसे उजड़ा चमन

बाइस तक पूरी तरह से कंप्लीट करवाया हुआ था हैदराबाद हैदराबाद में में तो गोवा ये से अलग अलग लोकेशंस इस फिल्म को शूट किया गया था और मुंबई भी था उसमें हैदराबाद मुंबई गोवा में इस फिल्म को मोस्ट ऑफ शूट किया गया था जहाँ से कम्पलीट करवाते हुए इस फिल्म को सेंसर करवाया गया उसके पहले पोस्ट प्रोडक्शन का, का काम करवाया गया जहाँ पे म्यूजिक मिक्सिंग डबिंग मास्टरिंग के ऊपर काम किया हुआ है और इस फिल्म के म्यूजिक के लिए साउथ इंडियन म्यूजिक डायरेक्टर देवी श्री प्रसाद को हायर किया गया एक बेस्ट बी के लिए और एक अच्छा खासा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स के लिए तो एक अच्छा फैसला लिया गया था क्योंकि वहाँ के जो म्यूज़िक होते बी होते वो काफ़ी तगड़ी होती है तो अब देखने वाली बात यह है कि इस वर्जन में उन सभी चीज़ों को वो किस तरह से भुना पाते हैं वैसे इस फिल्म का जो ट्रेलर आउट हुआ है वो वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पे पहला पार्ट एंड हुआ था तो इस फिल्म की कहानी कंटिन्यू है अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसे जरूर देखेगा उसके बाद ये फिल्म देखने का मज़ा आएगा जहाँ पे दृश्यम टू की कहानी में सभी चीज़ों को एक्सटेंड किया गया केस ओपन हो रहा है जो मर्डर केस हुआ था जिसमें विजय सालगुनकर की फैमिली इन्वॉल्व थी तो उन सभी चीज़ों के ऊपर फिर से एक बार केस हो रहा है जहाँ पे अक्षय कुम अक्षय खन्ना उस केस को टेक ओवर कर रहे हैं और उनको मदद करती हुई नजर आएगी आपको टबू तो इस तरह से इस फिल्म के केस को ओपन किया हुआ है तब बताया जाएगा कि इन सभी चीज़ों को किस तरह से शो केस किया हुआ था और इसके पीछे जो विजय सालगनकर की जो साजिश थी जिस तरह से उन्होंने उस बॉडी को छुपाया हुआ था तो क्या उनको वो ढूंढ पाएंगे इस केस के पीछे क्या रहस्य है उसको क्या वो पकड़ पाएंगे वो सभी चीज़ें पूरी तरह से इस फिल्म की कहानी बनाती है तो अब देखने वाली बात है कि इन सभी चीज़ों को क्लाइमेक्स में किस तरह से ख़त्म किया होगा वैसे तो दृश्यम टू अगर आपने मलयालम वर्जन की देखी होगी तो इस फिल्म के जो क्लाइमेक्स था उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ की गई थी और पूरी फिल्म को जिस तरह से हैंडल किया हुआ था उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ की गई थी कहानी की जो राइटिंग जो लिखी हुई थी उसको काफ़ी इंटेलिजेंट बताया गया था तो ये सभी चीज़ें इस फिल्म में सेम होने वाली रीमेक फिल्म में लेकिन कुछ एक्टर्स को डाला हुआ इंक्लूड किया हुआ है कुछ कैरेक्टर्स को तो थोड़ा स्क्रीन प्ले में आपको जिस देखने को जरूर मिलेगा अब वो कितना पॉजिटिव वे में जाता है वो इस फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा ट्रेलर टीजर जितना भी आउट हुआ है उससे एक अच्छी खासी वाइब आ रही है डिरेक्शन का, का काम अच्छा नजर आ रहा है स्क्रीन प्ले है स्टोरी आइडिया वो अच्छा नजर आ रहा है फिल्म की स्टार कास्ट की परफॉर्मेंस बढ़िया नजर आ रही है जो कास्टिंग की हुई वो परफेक्ट नजर आ रही है इस फिल्म में जो प्रोडक्शन डिजाइन है प्रोडक्शन वैल्यू है काफी अच्छी नजर आ रही है टॉप नोट नजर आ रहा है म्यूजिक डिपार्टमेंट में बढ़िया नजर आ रहा है बीजेएम अच्छा है इसके अलावा है फिल्म की एडिटिंग के ऊपर जो सीन्स देखने को मिलते हैं वो काफी बढ़िया थे कलर टोन अच्छा है कलर ग्रेडिंग अच्छी है इसके अलावा लाइटिंग इफेक्ट का बढ़िया बढ़िया यूज़ किया हुआ है है काफ़ी नज़र आ रही है। तो ओवरऑल एडिटिंग सिनेमेटोग्राफी टेक्निकल डिपार्टमेंट परफॉर्मेंस इस सभी चीज़ों में फिल्म काफी मजबूत नजर आ रही है अगर वो जो चेंजेस किए हुए हैं वो सही जाते हैं तो ये फिल्म अच्छा सो और शॉर्ट ब्लॉकबस्टर होने वाली है वैसे फिल्म को 18 नवंबर 2022 को थिएटर में रिलीज करने का फैसला लिया हुआ है तो फिलहाल में तो दृश्यम टू से पहले अजय देवगन की फिल्म एक और आज आने वाली है जिसको दिवाली के मौके के ऊपर राम सेतु तो फिल्म के साथ रिलीज़ करने वाले तो वो फिल्म जब एक बार रिलीज हो जाती है जो उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा उसके बाद इस फिल्म के ऊपर पता चलेगा कि ये फिल्म उनकी कैसी होने वाली है क्योंकि ये फिल्म के और उस फिल्म के बीच में एक मंथ का गैप है जहाँ पे जो थिंग गॉड फिल्म है जिसके बारे में अभी बात कर रहा था उस फिल्म का और इस फिल्म के बीच में एक मंथ का गैप थे वो फिल्म अलग जोनर की है फिल्म टोटली अलग जोनर की है तो बैक टू बैक दो महीने में आपको दो फिल्में देखने को मिलेगी अजय देवगन की और अब देखते हैं कि ये सभी फिल्में उनकी किस तरह से जाती है इससे अला इसके अलावा उन्होंने रीमेक राइट्स भी खरीदे रखे है जहाँ पे दृश्यम टू के अलावा उन्होंने केदी फिल्म के भी रीमेक राइट्स अपने पास रखे हुए हैं नांदी फिल्म के रीमेक राइट्स भी अजय देवगन के पास है तो अब देखने वाली बात है कि उन सभी रिमोक्स रिमेक्स के ऊपर वो किस तरह से कितनी स्पीड में काम करवा पाते हैं इसके अलावा दृश्यम टू अट्ठारह नवंबर 2022 को थिएटर में आ रही है लोगों की एक्साइटमेंट काफ़ी बढ़िया है इस फिल्म के प्रति रीमेक फिल्म है लेकिन पॉजिटिव वाइब नज़र आ रही है ऑडियंस का भी पॉजिटिव कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं तो देखते हैं कि ये फिल्म किस तरह की किस कदर की ओपनिंग लेती है जिस तरह से फिल्म का जो बस चल रहा है उस हिसाब से देखने को मिल रहा है कि ये फिल्म फिलहाल में जितनी कोविड के बाद फिल्में आई हुई है उसमें एक अच्छी खासी ओपनिंग ले सकती है सबसे बेहतर ओपनिंग ये फ़िल्म ले सकती है अब देखते हैं कि इन सभी चीज़ों के ऊपर कब तक का हमें क्लेरिफिकेशन मिलता है जब फिल्म रिलीज होगी तभी इसके अलावा इस फिल्म को अगर अच्छा वर्ड ऑफ माउथ मिला तो श्योर शॉट ये फिल्म करीबन ढाई सौ करोड़ के आसपास का क्रॉस कलेक्शन कर सकती है वर्ल्ड वाइड तो अब देखने वाली बात यह है कि यह फिल्म किस तरह से जो चेंजेस के साथ दिखाई हुई है वो लोगों को पसंद आती है अगर पसंद आ गए तो ये श्योर शॉट दो सौ ढाई सौ करोड़ का कलेक्शन करेगी अदरवाइज़ ये फिल्म पचास से सत्तर करोड़ में निपट सकती है तो इस फिल्म के रिगार्डिंग इस तरह का ये सभी चीज़ें हो सकती है जितने भी एक्सपेक्ट थे वो मैंने शेयर किए हुए इसके अलावा बाद में इस फिल्म को थिएट्रिकल रिलीज़ के दो ढाई महीने के बाद ओ टी टी पर प्रीमेयर करवाया जाएगा थिएट्रिकल रिलीज़ के छः सात महीने के बाद सेटेलाइट के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा फिलहाल में ओ टी टी सेटेलाइट के ऊपर मेकर्स ने कोई अपडेट नहीं दी हुई है कि वो कौन से ओ टी टी और सेटेलाइट चैनल के ऊपर इस फिल्म को प्रीमियर करवाने वाले हैं लेकिन जो पहला पार्ट था उसको सेटेलाइट चैनल ओ टी टी के लिए स्टार नेटवर्क को बेचा हुआ था जहाँ पर स्टार गोल्ड के ऊपर इस फिल्म का जो पहला पार्ट है दृश्यम दो हज़ार पंद्रह का उसको प्रीमियर करवाया हुआ था वहीं पे डिजनी प्लस होटस्टार के ऊपर दृश्यम वन को अवेलेबल किया हुआ है तो दृश्यम वन अगर आपको बिल्कुल फ्री में देखनी है तो डिजनी प्लस हॉट स्टार के ऊपर देखने को मिल जाएगी विदाउट सब्सक्रिप्शन और कुछ भी देना नहीं है बिल्कुल फ्री में विदाउट लोग फिल्म वहां पर देखने को मिलेगी वहीं पे उसका सेटेलाइट वर्जन है वो आपको टेलीविजन पे देखने को मिलेगा अब दृश्यम टू के राइट स्टार वालों ने खरीदे या कोई दूसरे दूसरे प्रोडक्शन कंपनीज ने खरीदे वो पता नहीं अमेजोन प्राइम वीडियो शायद इस फिल्म के राइट्स खरीद सकती है अब देखते

और जो 2015 की दृश्यम है और ये जो दृश्यम टू है 2022 की ये दोनों फिल्में मलयालम फिल्म का रीमेक है दृश्यम टू मलयालम वर्ज़न में 2021 में बनी थी वहीं पे मलयालम जो ओरिजिनल वर्जन है उसका जो पहला पार्ट है दृश्यम वो 2013 में बना हुआ था सेम नाम के साथ हिंदी वर्जन में अजय देवगन को लीड रोल में लेते हुए इस फिल्म की कहानी को रीमेक किया गया था और वैसे 2013 और 2021 में दृश्यम वन और दृश्यम टू रिलीज़ हुई थी वो दोनों फिल्में मलयालम वर्जन की सबसे बड़ी हिट साबित हुई थी वैसे तो दृश्यम टू है वो डायरेक्ट ओटीटी पे रिलीज़ करवा दी गई थी मलयालम वर्जन में वहाँ पे उसको काफ़ी ज़्यादा एप्रिसिएशन मिला था उसके बाद में तेलुगु रीमेक बना उसके बाद में इस फिल्म का कन्नडा में भी रीमेक बना अब इस फिल्म का हिंदी में बन रहा है तो आप सोच सकते हो कि दृश्यम टू भी कितनी अच्छी फिल्म होगी जिसका इतनी सारी लैंग्वेज में रीमेक बन चुका है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है अभिषेक पाठक ने जहाँ पे फिल्म की कहानी है उसका जो एडेप्टसन है वो किया हुआ है आमिल खान ने स्क्रीन प्ले अभिषेक पाठक ने ही लिखा हुआ है जो स्टोरी थ्री ओरिजिनल वो, वो जीतू जोसेफ़ की थी जीतू जोसेफ ने दृष्टि वन ड्रू की कहानी और डिरेक्शन दोनों किया हुआ है मलयालम वर्जन के लिए और तेलुगु वर्जन के लिए इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है भूषण कुमार कुमार मंगत पाठक अभिषेक पाठक कृष्ण कुमार तो ये टोटल चार प्रोड्यूसर्स है जिन्होंने इस फिल्म को पेनोरमा स्टूडियो वाई कॉमेडी स्टूडियो और टी सीरीज फिल्म के नीचे इस को बनाया हुआ है तो इस फिल्म को एक अच्छे खासे बजट के साथ बनाया वाली है तो एक बड़ा देवगन देखने को मिलेंगे जहाँ पे उन्होंने विजय सालगुनकर का रोल प्ले किया हुआ है जो एक मूवी थिएटर ओनर है और एक एस्पायरिंग फिल्म प्रोड्यूसर है वहीं पे टबू आपको इस फिल्म में मीरा देशमुख के रोल में दिखाई देंगी जो एक फॉर्मर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है जो सीएम मदर है। इसके अलावा श्री सर ने नंदनी सालगोनकर का रोल प्ले किया हुआ है जो विजय की वाइफ है अंजु अनु की माँ वहींयपोर्टेंट किरदार है वहीं पे इसी तादत्ता आपको अंजू सालगोनकर के रोल में दिखाई देंगी जो विजय और नंदनी की एल्डर डॉटर है मृणाल यादव ने इस फिल्म में अनु सालगोनकर का रोल प्ले किया हुआ है जो विजय और नंदनी की रजत कपूर देखने को मिलेंगे जिन्होंने महेश देशमुख का रोल प्ले किया हुआ है जो मेरा के हस्बैंड है वो सेम के फादर है नेहा जोशी और कमलेश सावंत ये भी आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे तो इस फिल्म के प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इन सभी किरदारों में काम किया हुआ है जहाँ पे इनका रोल फिल्म में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इनके अलावा काफी लंबी सपोर्टिंग कास्ट है जिनका आपको इस फिल्म के रिलीज के बाद पता चलेगा टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी किए हुए सुधीर के चौधरी ने एडिटिंग किए हुए संदीप फ्रेंसिस ने म्यूजिक में देवी प्रसाद का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों सुनने को मिलेंगे जहां पे इस फिल्म के जो म्यूजिक के राइट्स है वो पेनोरमा स्टूडियो ने अपने पास ही रखे हुए जहाँ पे पेनोरमा म्यूज़िक के ऊपर इस फिल्म के गाने को अवेलेबल करवाया जाएगा और बिलीव प्लेटफॉर्म के ऊपर इस फिल्म के ऑडियो को आपको ऑफिशियल में सुनने को मिलेगा वहीं पे इस फिल्म को पेनोरमा स्टूडियो ही प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट करवा रही है जहाँ पे इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है अब हम बातचीत करें प्रोडक्शन के ऊपर तो दृश्यम टू का यानी कि दृश्यम का जो सिक्वल है दृश्यम टू उसकी अनाउंसमेंट दृश्यम जो 2021 में आई थी 2021 में यानी कि दृश्यम टू आई थी मलयालम वर्जन की फिल्म वो जब सक्सेसफुल साबित हुई थी जहाँ पे वो 2013 का सिक्वल था तो उस फिल्म के सक्सेसफुल साबित होने के बाद फरवरी 2021 में एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई कि दृश्यम जो 2015 में हिंदी फिल्म है उसका सिक्वल आने वाला है क्योंकि मलयालम वर्जन हिट हो चुके थे जिस वजह से फैसला लिया गया कि इसका हम हिंदी रीमेक बनाएंगे हिंदी राइट्स लेते हुए इस फिल्म को बनाने का फैसला लिया गया जहाँ पे ओरिजिनल जो 2015 की दृश्यम थी उसके डायरेक्टर थे निशिकांत कामंत लेकिन उनको कोविड 19 की वजह से कुछ उनके बॉडी इश्यूज़ की वजह से उनकी डेथ हो चुकी थी जिसके चलते इस फिल्म का डायरेक्शन का कमान अभिषेक पाठक को दिया गया था उन्होंने इससे पहले एक फिल्म की हुई थी उजड़ा चमन उसके बाद उनकी दूसरी फिल्म वैसे उजड़ा चमन कोई कंडा फिल्म की रिमेक थी इसके अलावा जो ये फिल्म की है, है तो दो, दोनों उजड़ा चमन को डायरेक्ट किया था अब देखने वाली बात ये कि इस फिल्म के साथ फोटोग्राफी है वो स्टार्ट की गई थी सत्रह फरवरी दो को वहीं पर इस फिल्म का जो शूटिंग है ज्यादातर गोवा में किया हुआ है अक्षय खन्ना ने इस फिल्म के सेट को तीस अप्रैल दो को ज्वाइन किया हुआ था फिल्म की शूटिंग को इक्कीस जून दो बाईस तक पूरी तरह से कंप्लीट करवाया हुआ था हैदराबाद में तो हैदराबाद गोवा ये से अलग अलग लोकेशंस में इस फिल्म को शूट किया गया था और मुंबई भी था उसमें हैदराबाद मुंबई गोवा में इस फिल्म को मोस्ट ऑफ शूट किया गया था जहाँ से कम्पलीट करवाते हुए इस फिल्म को सेंसर करवाया गया उसके पहले पोस्ट प्रोडक्शन का, का काम करवाया गया जहाँ पे म्यूजिक मिक्सिंग डबिंग मास्टरिंग के ऊपर काम किया हुआ है और इस फिल्म के म्यूजिक के लिए साउथ इंडियन म्यूजिक डायरेक्टर देवी श्री प्रसाद को हायर किया गया एक बेस्ट बी के लिए और एक अच्छा खासा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स के लिए तो एक अच्छा फैसला लिया गया था क्योंकि वहाँ के जो म्यूजिक होते बी जी होते हैं वो काफ़ी तगड़ी होती है तो अब देखने वाली बात यह है कि इस वर्जन में उन सभी चीज़ों को वो किस तरह से भुना पाते हैं वैसे इस फिल्म का जो ट्रेलर आउट हुआ है वो वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पे पहला पार्ट एंड हुआ था तो इस फिल्म की कहानी कंटिन्यू है अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखेगा उसके बाद ये फिल्म देखने का मज़ा आएगा जहाँ पे दृश्यम टू की कहानी में सभी चीज़ों को एक्सटेंड किया गया है केस ओपन हो रहा है जो मर्डर केस हुआ था जिसमें विजय सालगुनकर की फैमिली इन्वॉल्व थी तो उन सभी चीज़ों के ऊपर फिर से एक बार केस हो रहा है जहाँ पे अक्षय कुमार अक्षय खन्ना उस केस को टेक ओवर कर रहे हैं और उनको मदद करती हुई नजर आएगी आपको टबू तो इस तरह से इस फिल्म के केस को रीओपन किया हुआ है तब बताया जाएगा कि इन सभी चीज़ों को किस तरह से शो केस किया हुआ था और इसके पीछे जो विजय सालगनकर की जो साजिश थी जिस तरह से उन्होंने उस बॉडी को छुपाया हुआ था तो क्या उनको वो ढूंढ पाएंगे इस केस के पीछे क्या रहस्य है उसको क्या वो पकड़ पाएंगे वो सभी चीजें पूरी तरह से इस फिल्म की कहानी बनाती है तो अब देखने वाली बात है कि इन सभी चीज़ों को क्लाइमेक्स में किस तरह से ख़त्म किया होगा वैसे तो दृश्यम टू अगर आपने मलयालम वर्जन की देखी होगी तो इस फिल्म के जो क्लाइमेक्स था उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ की गई थी और पूरी फिल्म को जिस तरह से हैंडल किया हुआ था उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ की गई थी कहानी की जो राइटिंग जो लिखी हुई थी उसको काफ़ी इंटेलिजेंट बताया गया था तो ये सभी चीज़ें इस फिल्म में सेम होने वाली रीमेक फिल्म में लेकिन कुछ एक्टर्स को डाला हुआ इंक्लूड किया हुआ है कुछ कैरेक्टर्स को तो थोड़ा स्क्रीन प्ले में आपको चेंज जिस देखने को जरूर मिलेगा अब वो कितना पॉजिटिव वे में जाता है वो इस फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा ट्रेलर टीजर जितना भी आउट हुआ है उससे एक अच्छी खासी वाइब आ रही है दृश्यम का जो वाइब था सेम वाइब आपको इस फिल्म में भी वो नजर आएगी डिरेक्शन का काम अच्छा नज़र आ रहा है स्क्रीन प्ले है स्टोरी आइडिया वो अच्छा नजर आ रहा है फिल्म की स्टार कास्ट की परफॉर्मेंस बढ़िया नजर आ रही है जो कास्टिंग की हुई है वो परफेक्ट नजर आ रही है इस फिल्म में जो प्रोडक्शन डिजाइन है प्रोडक्शन वैल्यू है काफ़ी अच्छी नजर आ रही है टॉप नोट नज़र आ रहे, रहे म्यूजिक डिपार्टमेंट में बढ़िया काम नज़र आ रहा है बीजेम अच्छा है इसके अलावा फिल्म की एडिटिंग के ऊपर जो सीन्स देखने को मिलते हैं वो काफ़ी बढ़िया थे कलर टोन अच्छा है कलर ग्रेडिंग अच्छी है इसके अलावा लाइटिंग इफेक्ट का बढ़िया यूज़ किया हुआ है सिनेमेटोग्राफी काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही है तो ओवरऑल एडिटिंग सिनेमेटोग्राफी टेक्निकल डिपार्टमेंट परफॉर्मेंस इस सभी चीज़ों में फिल्म काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है अगर वो जो चेंजेस किए हुए हैं वो सही जाते हैं तो ये फिल्म अच्छा से और शॉर्ट ब्लॉक होने वाली है वैसे फिल्म को 18 नवंबर 2022 को थिएटर में रिलीज करने का फैसला लिया हुआ है तो फिलहाल में तो दृश्यम टू से पहले अजय देवगन की फिल्म एक और आज आने वाली है जिसको दिवाली के मौके के ऊपर राम सेतु तो फिल्म के साथ रिलीज करने वाले तो वो फिल्म जब एक बार रिलीज हो जाती है जो उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा उसके बाद इस फिल्म के ऊपर पता चलेगा कि ये फिल्म उनकी कैसी होने वाली है क्योंकि ये फिल्म के और उस फिल्म के बीच में एक मंथ का गैप है जहाँ पे जो थिंग गॉड फिल्म है जिसके बारे में अभी बात कर रहा था उस फिल्म का और इस फिल्म के बीच में एक मंथ का गैप थे वो फिल्म अलग जोनर की है फिल्म टोटली अलग जोनर की है तो बैक टू बैक दो महीने में आपको दो फिल्में देखने को मिलेगी अजय देवगन की और अब देखते हैं कि ये सभी फिल्में उनकी किस तरह से जाती है इससे अला इसके अलावा उन्होंने रिमेक राइट्स भी खरीद रखे है जहाँ पे दृश्यम टू के अलावा उन्होंने केदी फिल्म के भी रिमेक राइट्स अपने पास रखे हुए हैं नांदी फिल्म के रिमेक राइट्स भी अजय देवगन के पास है तो अब देखने वाली बात है उन सभी रिमोट रिमेक्स के ऊपर वो किस तरह से कितनी स्पीड में काम करवा पाते हैं इसके अलावा दृश्यम टू अठारह नवंबर 2022 को थिएटर में आ रही है लोगों की एक्साइटमेंट काफी बढ़िया है इस फिल्म के प्रति रिमेक फिल्म है लेकिन पॉजिटिव वाइब नजर आ रही है ऑडियंस का भी पॉजिटिव कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं तो देखते हैं कि यह फिल्म किस तरह की किस कदर की ओपनिंग लेती है जिस तरह से फिल्म का जो बस चल रहा है उस हिसाब से देखने को मिल रहा है कि यह फिल्म फिलहाल में जितनी कोविड के बाद फिल्में आई हुई है उसमें एक अच्छी खासी ओपनिंग ले सकती है सबसे बेहतर ओपनिंग ये फ़िल्म ले सकती है अब देखते हैं कि इन सभी चीज़ों के ऊपर कब तक का हमें क्लेरिफिकेशन मिलता है जब फिल्म रिलीज़ होगी तभी इसके अलावा इस फिल्म को अगर अच्छा वर्ड ऑफ माउथ मिला तो श्योर शॉट ये फिल्म करीबन ढाई सौ करोड़ के आसपास का क्रॉस कलेक्शन कर सकती है वर्ल्ड वाइड तो अब देखने वाली बात यह है कि यह फिल्म किस तरह से जो चेंजेस के साथ दिखाई हुई है वो लोगों को पसंद आती है अगर पसंद आ गए तो ये श्योर शॉट दो सौ ढाई सौ करोड़ का कलेक्शन करेगी अदरवाइज ये फिल्म पचास से सत्तर करोड़ में निपट सकती है तो इस फिल्म के रिगार्डिंग इस तरह का ये सभी चीजें हो सकती है जितने एस्पेक्ट थे वो मैंने शेयर किए हुए इसके अलावा बाद में इस फिल्म को थिएट्रिकल रिलीज के दो ढाई महीने के बाद ओ टी टी पर करवाया जाएगा थिएट्रिकल रिलीज के छः सात महीने के बाद सेटेलाइट के ऊपर प्रीमियर में करवाया जाएगा फिलहाल में ओ टी के ऊपर मेकर्स ने कोई अपडेट नहीं दी हुई है कि वो कौन से ओ और सेटेलाइट चैनल के ऊपर इस फिल्म को प्रीमियर करवाने वाले हैं लेकिन जो पहला पार्ट था उसको सेटेलाइट चैनल ओ के लिए स्टार नेटवर्क को बेचा हुआ था जहाँ पर स्टार गोल्ड के ऊपर इस फिल्म का जो पहला पार्ट है दृश्यम 2015 का उसको प्रीमियर करवाया हुआ था वहीं पे डिज्नी प्लस होटस्टार के ऊपर को अवेलेबल किया हुआ है तो वन अगर आपको बिल्कुल फ्री में देखनी है तो डिज्नी प्लस के ऊपर और कुछ भी देना नहीं है उसका सेटेलाइट वर्जन है वो आपको टेलीविजन पे देखने को मिलेगा अब स्टार वालों ने खरीदे या कोई दूसरे दूसरे प्रोडक्शन कंपनीज ने खरीदे वो पता नहीं अमेजोन प्राइम वीडियो शायद इस फिल्म के राइट्स खरीद सकती है अब देखते

और जो 2015 की दृश्यम है और ये जो दृश्यम टू है 2022 की ये दोनों फिल्में मलयालम फिल्म का रीमेक है दृश्यम टू मलयालम वर्जन में 2021 में बनी थी वहीं पे मलयालम जो ओरिजिनल वर्जन है उसका जो पहला पार्ट है दृश्यम वो 2013 में बना हुआ था सेम नाम के साथ हिंदी वर्जन में अजय देवगन को लीड रोल में लेते हुए इस फिल्म की कहानी को रीमेक किया गया था और वैसे 2013 और 2021 में दृश्यम वन और दृश्यम टू रिलीज़ हुई थी वो दोनों फिल्में मलयालम वर्जन की सबसे बड़ी हिट साबित हुई थी वैसे तो दृश्यम टू है वो डायरेक्ट ओटीटी पे रिलीज़ करवा दी गई थी मलयालम वर्जन में वहाँ पे उसको काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएसन मिला था उसके बाद में तेलुगु रीमेक बना उसके बाद में इस फिल्म का कन्नड़ा में भी रीमेक बना अब इस फिल्म का हिंदी में बन रहा है तो आप सोच सकते हो कि दृश्यम टू भी कितनी अच्छी फिल्म होगी जिसका इतनी सारी लैंग्वेज में रीमेक बन चुका है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है अभिषेक पाठक ने जहाँ पे फिल्म की कहानी है उसका जो एडप्टेशन है वो किया हुआ है आमिल कियान खान ने स्क्रीन प्ले अभिषेक पाठक ने ही लिखा हुआ है जो स्टोरी थ्री ओरिजिनल वो, वो जीतू जोसेफ़ की थी जीतू जोसेफ ने दृष्टि वन ट्रू की कहानी और डिरेक्शन दोनों किया हुआ है मलयालम वर्जन के लिए और तेलुगु वर्जन के लिए इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है भूषण कुमार कुमार मंगत पाठक अभिषेक पाठक कृष्णा कुमार तो ये टोटल चार प्रोड्यूसर्सर् जिन्होंने इस फिल्म को पेनोरमा स्टूडियो वाई कॉमेडी स्टूडियो और टी टी सीरीज फिल्म के नीचे इस फिल्म को बनाया हुआ है तो इस फिल्म को एक अच्छे खासे बजट के साथ बनाया हुआ है, वाली है तो एक बड़ा कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो अजय देवगन देखने को मिलेंगे जहां पे उन्होंने विजय सालगुनकर का रोल प्ले किया हुआ है जो एक मूवी थिएटर ओनर है और एक एस्पायरिंग फिल्म प्रोड्यूसर है वहीं पे टबू आपको इस फिल्म में मीरा देशमुख के रोल में दिखाई देंगी जो एक फॉर्मर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है जो सीएम मदर है। इसके अलावा श्री ने नंदनी सालगोनकर का रोल प्ले किया हुआ है जो विजय की वाइफ है, है वहीं पे अक्षय खन्ना पुलिस ऑफिसर वाला किरदार है डाला हुआ है वहीं पे इसी तादत्त आपको अंजू सालगोनकर के रोल में दिखाई देंगी जो विजय और नंदनी की एल्डर डॉटर है मृणाल यादव ने इस फिल्म में अनु सालगोनकर का रोल प्ले किया हुआ है जो विजय और नंदनी की यंगर डोटर इस फिल्म में रजत कपूर देखने को मिलेंगे

म्यूज़िक में देवी सि प्रसाद का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों सुनने को मिलेंगे जहाँ पे इस फिल्म के जो म्यूज़िक के राइट्स है वो पेनोरामा स्टूडियो ने अपने पास ही रखे हुए हैं जहाँ पे पेनोरामा म्यूज़िक के ऊपर इस फिल्म के गाने को अवेलेबल करवाया जाएगा और बिलीव प्लेटफॉर्म के ऊपर इस फिल्म के ऑडियो को आपको ऑफिशियल में सुनने को मिलेगा वहीं पे इस फिल्म को पेनोरामा स्टूडियो ही प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट करवा रही है जहाँ पे इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है अब हम बातचीत करें प्रोडक्शन के ऊपर तो दृश्यम टू का यानी कि दृश्यम का जो सिक्वल है दृश्यम टू उसकी अनाउंसमेंट दृश्यम जो 2021 में आई थी 2021 में यानी कि दृश्यम टू आई थी मलयालम वर्जन की फिल्म वो जब सक्सेसफुल साबित हुई थी जहाँ पे वो 2013 का सिकवल था तो उस फिल्म के सक्सेसफुल साबित होने के बाद फरवरी 2021 में एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई कि दृश्यम जो 2015 में हिंदी फिल्म है उसका सिक्वल आने वाला है क्योंकि मलयालम तेलुगु वर्जन हिट हो चुके थे जिस वजह से फैसला लिया गया कि इसका हम हिंदी रीमेक बनाएंगे हिंदी राइट्स लेते हुए इस फिल्म को बनाने का फैसला लिया गया जहाँ पे ओरिजिनल जो 2015 की दृश्यम थी उसके डायरेक्टर थे निशिकांत कामंत लेकिन उनको कोविड नाइनटीन की वजह से कुछ उनके बॉडी इश्यूज की वजह से उनकी डेथ हो चुकी थी जिसके चलते इस फिल्म का डायरेक्शन का कमान अभिषेक पाठक को दिया गया था उन्होंने इससे पहले एक फिल्म की हुई थी उजड़ा चमन उसके बाद उनकी दूसरी फिल्म फिल्में वैसे उजड़ा चमन कोई कन्नड़ा फिल्म की रीमेक थी इसके अलावा जो ये फिल्म है दृश्यम ये भी ऑफिशियली रीमेक है तो दो दोनों फिल्म में उनकी रीमेक ही उजड़ा चमन को अच्छी तरह से उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ था अब देखने वाली बात यह है कि इस फिल्म के साथ वो अपना काम किस तरह का दिखा पाते हैं इसके अलावा फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी है वो स्टार्ट की गई थी सत्रह फरवरी दो हजार बाईस को वहीं पर इस फिल्म का जो शूटिंग है ज्यादातर गोवा में किया हुआ है अक्षय खन्ना ने इस फिल्म के सेट को तीस अप्रैल दो हजार बाईस को ज्वाइन किया हुआ था फिल्म की शूटिंग को इक्कीस जून दो बाइस तक पूरी तरह से कंप्लीट करवाया हुआ था हैदराबाद हैदराबाद में तो गोवा अलग अलग लोकेशंस में इस फिल्म को शूट किया गया था और मुंबई भी था उसमें हैदराबाद मुंबई गोवा में इस फिल्म को मोस्ट ऑफ शूट किया गया था जहाँ से कम्प्लीट करवाते हुए इस फिल्म को सेंसर करवाया गया उसके पहले पोस्ट प्रोडक्शन का काम का का करवाया गया जहाँ पे म्यूजिक मिक्सिंग डबिंग मास्टरिंग के ऊपर काम किया हुआ है और इस फिल्म के म्यूजिक के लिए साउथ इंडियन म्यूजिक डायरेक्टर देवी प्रसाद को हायर किया गया एक बेस्ट बीजेम के लिए और एक अच्छा खासा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स के लिए तो एक अच्छा फैसला लिया गया था क्योंकि वहाँ के जो म्यूज़िक होते बी होते वो काफ़ी तगड़ी होती है तो अब देखने वाली बात यह है कि इस वर्जन में उन सभी चीज़ों को वो किस तरह से भुना पाते हैं वैसे इस फिल्म का जो ट्रेलर आउट हुआ है वो वहीं से स्टार्ट हो रहा है जहाँ पे पहला पार्ट एंड हुआ था तो इस फिल्म की कहानी कंटिन्यू है अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखेगा उसके बाद ये फिल्म देखने का मजा आएगा जहाँ पे दृश्यम टू की कहानी में सभी चीज़ों को एक्सटेंड किया गया है केस ओपन हो रहा है जो मर्डर केस हुआ था जिसमें विजय सालगुनकर की फैमिली इन्वॉल्व थी तो उन सभी चीज़ों के ऊपर फिर से एक बार केस हो रहा है जहाँ पे अक्षय कुम अक्षय खन्ना उस केस को टेक ओवर कर रहे हैं और उनको मदद करती हुई नजर आएगी आपको टबू तो इस तरह से इस फिल्म के केस को रीओपन किया हुआ है तब बताया जाएगा कि इन सभी चीजों को किस तरह से शो केस किया हुआ था और इसके पीछे जो विजय सालगनकर की जो साजिश थी जिस तरह से उन्होंने उस बॉडी को छुपाया हुआ था तो क्या उनको वो ढूंढ पाएंगे इस केस के पीछे क्या रहस्य है उसको क्या वो पकड़ पाएंगे वो सभी चीजें पूरी तरह से इस फिल्म की कहानी बनाती है तो अब देखने वाली बात है कि इन सभी चीज़ों को क्लाइमेक्स में किस तरह से ख़त्म किया होगा वैसे तो दृश्यम टू अगर आपने मलयालम वर्जन की देखी होगी तो इस फिल्म के जो क्लाइमेक्स था उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ की गई थी और पूरी फिल्म को जिस तरह से हैंडल किया हुआ था उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ की गई थी कहानी की जो राइटिंग जो लिखी हुई थी उसको काफ़ी इंटेलिजेंट बताया गया था तो ये सभी चीज़ें इस फिल्म में सेम होने वाली रीमेक फिल्म में लेकिन कुछ एक्टर्स को डाला हुआ इंक्लूड किया हुआ है कुछ कैरेक्टर्स को तो थोड़ा स्क्रीन प्ले में आपको चेंज जिस देखने को जरूर मिलेगा अब वो कितना पॉजिटिव वे में जाता है वो इस फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा ट्रेलर टीजर जितना भी आउट हुआ है उससे एक अच्छी खासी वाइब आ रही है दृश्यम का जो वाइब था सेम वाइब आपको इस फिल्म में भी वो नजर आएगी डिरेक्शन का काम अच्छा नजर आ रहा है स्क्रीन प्ले है स्टोरी आइडिया वो अच्छा नजर आ रहा है फिल्म की स्टार कास्ट की परफॉर्मेंसेज बढ़िया नजर आ रही है जो कास्टिंग की हुई है वो परफेक्ट नजर आ रही है इस फिल्म में जो प्रोडक्शन डिजाइन है प्रोडक्शन वैल्यू है काफी अच्छी नजर आ रही है टॉप नोट नजर आ रहे हैं म्यूजिक डिपार्टमेंट में बढ़िया काम

तो फिलहाल में तो दृश्यम टू से पहले अजय देवगन की फिल्म एक और आज आने वाली है जिसको दिवाली के मौके के ऊपर राम सेतु तो फिल्म के साथ रिलीज़ करने वाले हैं तो वो फिल्म जब एक बार रिलीज़ हो जाती है जो उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा उसके बाद इस फिल्म के ऊपर पता चलेगा कि ये फिल्म उनकी कैसी होने वाली है क्योंकि ये फिल्म के और उस फिल्म के बीच में एक मंथ का गैप है जहाँ पे जो थिंग गॉड फिल्म है जिसके बारे में अभी बात कर रहा था उस फिल्म का और इस फिल्म के बीच में एक मंथ का गैप थे वो फिल्म अलग जोनर की है फिल्म टोटली अलग जोनर की है तो बैक टू बैक दो महीने में आपको दो फिल्में देखने को मिलेगी अजय देवगन की और अब देखते हैं कि ये सभी फिल्में उनकी किस तरह से जाती है इससे अला इसके अलावा उन्होंने रीमेक राइट्स भी खरीदे रखे है जहाँ पर दृश्यम टू के अलावा उन्होंने केदी फिल्म के भी रीमेक राइट्स अपने पास रखे हुए हैं नांदी फिल्म के रीमेक राइट्स भी अजय देवगन के पास है तो अब देखने वाली बात है

ये फ़िल्म ले सकती है अब देखते हैं कि इन सभी चीज़ों के ऊपर कब तक का हमें क्लेरिफिकेशन मिलता है जब फिल्म रिलीज़ होगी तभी इसके अलावा इस फिल्म को अगर अच्छा वर्ड ऑफ माउथ मिला तो श्योर शॉट ये फिल्म करीबन ढाई सौ करोड़ के आसपास का क्रॉस कलेक्शन कर सकती है वर्ल्ड वाइड तो अब देखने वाली बात यह है कि ये फिल्म किस तरह से जो चेंजेस के साथ दिखाई हुई है वह लोगों को पसंद आती है अगर पसंद आ गए तो ये श्योर शॉट दो सौ ढाई सौ करोड़ का कलेक्शन करेगी अदरवाइज़ ये फिल्म पचास से सत्तर करोड़ में निपट सकती है तो इस फिल्म के रिगार्डिंग इस तरह का ये सभी चीजें हो सकती है जितने भी एस्पेक्ट थे मैंने शेयर किए हुए इसके अलावा बाद में इस फिल्म को थिएट्रिकल रिलीज के दो ढाई महीने के बाद ओ टी टी पर करवाया जाएगा थिएट्रिकल रिलीज के छः सात महीने के बाद सेटेलाइट के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा फिलहाल में ओ टी के ऊपर मेकर्स ने कोई अपडेट नहीं दी हुई है कि वो कौन से ओ और सेटेलाइट चैनल के ऊपर इस फिल्म को प्रीमियर करवाने वाले हैं लेकिन जो पहला पार्ट था उसको सेटेलाइट चैनल ओ के लिए स्टार नेटवर्क को बेचा हुआ था जहाँ पर स्टार गोल्ड के ऊपर इस फिल्म का जो पहला पार्ट है दृश्यम 2015 का उसको

और जो 2015 की दृश्यम है और ये जो दृश्यम टू है 2022 की ये दोनों फिल्में मलयालम फिल्म का रीमेक है दृश्यम टू मलयालम वर्जन में 2021 में बनी थी वहीं पे मलयालम जो ओरिजिनल वर्जन है उसका जो पहला पार्ट है दृश्यम वो 2013 में बना हुआ था सेम नाम के साथ हिंदी वर्जन में अजय देवगन को लीड रोल में लेते हुए इस फिल्म की कहानी को रीमेक किया गया था और वैसे 2013 और 2021 में दृश्यम वन और दृश्यम टू रिलीज़ हुई थी वो दोनों फिल्में मलयालम वर्जन की सबसे बड़ी हिट साबित हुई थी वैसे तो दृश्यम टू है वो डायरेक्ट ओटीटी पे रिलीज़ करवा दी गई थी मलयालम वर्जन में वहाँ पे उसको काफ़ी ज़्यादा एप्रिसिएसन मिला था उसके बाद में तेलुगू रीमेक बना उसके बाद में इस फिल्म का कन्नड़ा में भी रीमेक बना अब इस फिल्म का हिंदी में बन रहा है तो आप सोच सकते हो कि दृश्यम टू भी कितनी अच्छी फिल्म होगी जिसका इतनी सारी लैंग्वेज में रीमेक बन चुका है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है अभिषेक पाठक ने जहाँ पे फिल्म की कहानी है उसका जो एडप्टेशन है वो किया हुआ है आमिल कियान खान ने स्क्रीन प्ले अभिषेक पाठक ने ही लिखा हुआ है जो स्टोरी थ्री ओरिजिनल वो जीतू जोसेफ़ की थी जीतू जोसेफ ने दृश्य वन ट्रू की कहानी और डरेक्शन दोनों किया हुआ है मलयालम वर्जन के लिए और तेलुगु वर्जन के लिए इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है भूषण कुमार कुमार मंगत पाठक अभिषेक पाठक कृष्ण कुमार तो ये टोटल चार प्रोड्यूसर्स है जिन्होंने इस फिल्म को पेनोरमा स्टूडियो वाई कॉमेडी स्टूडियो और टी 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 सीरीज फिल्म के नीचे इस फिल्म को बनाया हुआ है तो इस फिल्म को एक अच्छे खासे बजट के साथ बनाया हुआ है जहां से डिस्ट्रीब्यूट करवाने वाली है स्टूडियो तो तो एक बड़ा प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है तो इस फिल्म को एक अच्छे खासे रिलीज मिलने वाली है इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो अजय देवगन देखने को मिलेंगे जहाँ पे उन्होंने विजय सालगुनकर का रोल प्ले किया हुआ है जो एक मूवी थिएटर ओनर है और एक एस्पायरिंग फिल्म प्रोड्यूसर है वहीं पे ट्बू आपको इस फिल्म में मीरा देशमुख के रोल में दिखाई देंगी जो एक फॉर्मर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है जो सीएम

जिन्होंने महेश देशमुख का रोल प्ले किया हुआ है जो मेरा के हस्बैंड है और सेम के फादर है नेहा जोशी और कमलेश सावंत ये भी आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे तो इस फिल्म के प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इन सभी किरदारों में काम किया हुआ है जहाँ पे इनका रोल फिल्म में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इनके अलावा काफी लंबी सपोर्टिंग कास्ट है जिनका आपको इस फिल्म के रिलीज के बाद पता चलेगा टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी की हुए सुधीर के चौधरी ने एडिटिंग किए हुए संदीप फ्रेंसिस ने म्यूजिक में देवी श्री प्रसाद का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों सुनने को मिलेंगे जहां पे इस फिल्म के जो म्यूजिक के राइट्स है वो पेनोरमा स्टूडियो ने अपने पास ही रखे हुए हैं जहाँ पे पेनोरमा म्यूज़िक के ऊपर इस फिल्म के गाने को अवेलेबल करवाया जाएगा और बिलीव प्लेटफॉर्म के ऊपर इस फिल्म के ऑडियो को आपको ऑफिशियल में सुनने को मिलेगा वहीं पे इस फिल्म को पेनोरमा स्टूडियो ही प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट करवा रही है जहाँ पे इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है अब हम बातचीत करें प्रोडक्शन के ऊपर तो दृश्यम टू का यानी कि दृश्यम का जो सिक्वल है दृश्यम टू उसके अनाउंसमेंट दृश्यम जो 2021 में आई थी 2021 में यानी कि दृश्यम टू आई थी मलयालम वर्जन की फिल्म वो जब सक्सेसफुल साबित हुई थी जहाँ पे वो 2013 का सिक्वल था तो उस फिल्म के सक्सेसफुल साबित होने के बाद फरवरी 2021 में एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई कि दृश्यम जो 2015 में हिंदी फिल्म है उसका सिक्वल आने वाला है क्योंकि मलयालम तेलुगु वर्जन हिट हो चुके थे जिस वजह से फैसला लिया गया कि इसका हम हिंदी रीमेक बनाएंगे हिंदी राइट्स लेते हुए इस फिल्म को बनाने का फैसला लिया गया जहाँ पे ओरिजिनल जो 2015 की दृश्यम थी उसके डायरेक्टर थे निशिकांत कामत लेकिन उनको कोविड नाइन्टीन की वजह से कुछ उनके बॉडी इश्यूज़ की वजह से उनकी डेथ हो चुकी थी जिसके चलते इस फिल्म का डायरेक्शन का कमान अभिषेक पाठक को दिया गया था उन्होंने इससे पहले एक फिल्म की हुई थी उजड़ा चमन उसके बाद उनकी दूसरी फिल्म फिल्में वैसे उजड़ा चमन

बाईस तक पूरी तरह से कंप्लीट करवाया हुआ था हैदराबाद में तो हैदराबाद गोवा इसे अलग अलग लोकेशंस में इस फिल्म को शूट किया गया था और मुंबई भी था उसमें हैदराबाद मुंबई गोवा में इस फिल्म को मोस्ट ऑफ शूट किया गया था जहाँ से कम्प्लीट करवाते हुए इस फिल्म को सेंसर करवाया गया उसके पहले पोस्ट प्रोडक्शन का काम का करवाया गया जहाँ पे म्यूजिक मिक्सिंग डबिंग मास्टरिंग के ऊपर काम किया हुआ है और इस फिल्म के म्यूजिक के लिए साउथ इंडियन म्यूजिक डायरेक्टर देवी प्रसाद को हायर किया गया एक बेस्ट बी के लिए और एक अच्छा खासा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स के लिए तो एक अच्छा फैसला लिया गया था क्योंकि वहाँ के जो म्यूज़िक होते बी होते वो काफ़ी तगड़ी होती है तो अब देखने वाली बात यह है कि इस वर्जन में उन सभी चीज़ों को वो किस तरह से भुना पाते हैं वैसे इस फिल्म का जो ट्रेलर आउट हुआ है वो वहीं से स्टार्ट हो रहा है जहाँ पे पहला पार्ट एंड हुआ था तो इस फिल्म की कहानी कंटिन्यू है अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसे जरूर देखेगा उसके बाद ये फिल्म देखने का मजा आएगा जहाँ पे दृश्यम टू की कहानी में सभी चीज़ों को एक्सटेंड किया गया है केस रे ओपन हो रहा है जो मर्डर केस हुआ था जिसमें विजय सालगुनकर की फैमिली इन्वॉल्व थी तो उन सभी चीज़ों के ऊपर फिर से एक बार केस हो रहा है जहाँ पे अक्षय कुम अक्षय खन्ना उस केस को टेक ओवर कर रहे हैं और उनको मदद करती हुई नजर आएगी आपको टबू तो इस तरह से इस फिल्म के केस को रीओपन किया हुआ है तब बताया जाएगा कि इन सभी चीज़ों को किस तरह से शो केस किया हुआ था और इसके पीछे जो विजय सालगनकर की जो साजिश थी जिस तरह से उन्होंने उस बॉडी को छुपाया हुआ था तो क्या उनको वो ढूंढ पाएंगे इस केस के पीछे क्या रहस्य है उसको क्या वो पकड़ पाएंगे वो सभी चीज़ें पूरी तरह से इस फिल्म की कहानी बनाती है तो अब देखने वाली बात है कि इन सभी चीज़ों को क्लाइमेक्स में किस तरह से ख़त्म किया होगा वैसे तो रिसम टू अगर आपने मलयालम वर्जन की देखी होगी तो इस फिल्म के जो क्लाइमेक्स था उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ की गई थी और पूरी फिल्म को जिस तरह से हैंडल किया हुआ था उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ की गई थी कहानी की जो राइटिंग जो लिखी हुई थी उसको काफ़ी इंटेलिजेंट बताया गया था तो ये सभी चीज़ें इस फिल्म में सेम होने वाली रीमेक फिल्म में लेकिन कुछ एक्टर्स को डाला हुआ इंक्लूड किया हुआ है कुछ कैरेक्टर्स को तो थोड़ा स्क्रीन प्ले में आपको जिस देखने को जरूर मिलेगा अब वो कितना पॉजिटिव वे में जाता है वो इस फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा ट्रेलर टीजर जितना भी आउट हुआ है उससे एक अच्छी खासी वाइब आ रही है दृश्यम का जो वाइब था सेम वाइब आपको इस फिल्म में भी वो नजर आएगी डिरेक्शन का, का काम अच्छा नजर आ रहा है स्क्रीन प्ले है स्टोरी आइडिया वो अच्छा नजर आ रहा है फिल्म की स्टार कास्ट की परफॉर्मेंसेज बढ़िया नजर आ रही है जो कास्टिंग की हुई है वो परफेक्ट नजर आ रही है इस फिल्म में जो प्रोडक्शन डिजाइन है प्रोडक्शन वैल्यू काफी अच्छी नज़र आ रही है टॉप नोट नजर आ रहे हैं म्यूजिक डिपार्टमेंट में बढ़िया काम

तो फिलहाल में तो दृश्यम टू से पहले अजय देवगन की फिल्म एक और आज आने वाली है जिसको दिवाली के मौके के ऊपर राम सेतु तो फिल्म के साथ रिलीज़ करने वाले हैं तो वो फिल्म जब एक बार रिलीज़ हो जाती है जो उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा उसके बाद इस फिल्म के ऊपर पता चलेगा कि ये फिल्म उनकी कैसी होने वाली है क्योंकि ये फिल्म के और उस फिल्म के बीच में एक मंथ का गैप है जहाँ पे जो थिंग गॉड फिल्म है जिसके बारे में अभी बात कर रहा था उस फिल्म का और इस फिल्म के बीच में एक मंथ का गैप थे वो फिल्म अलग जोनर की है फिल्म टोटली अलग जोनर की है तो बैक टू बैक दो महीने में आपको दो फिल्में देखने को मिलेगी अजय देवगन की और अब देखते हैं कि ये सभी फिल्में उनकी किस तरह से जाती है इससे अलावा इसके अलावा उन्होंने रीमेक राइट्स भी खरीदे रखे है जहाँ पे दृश्यम टू के अलावा उन्होंने केदी फिल्म के भी रीमेक राइट्स अपने पास रखे हुए हैं नांदी फिल्म के रीमेक राइट्स भी अजय देवगन के पास है तो अब देखने वाली बात ये कि भी रिमेक्स के ऊपर से कितनी स्पीड में काम है लोगों की एक्साइटमेंट काफी बढ़िया है।, है, है।, का है तो देखते हैं कि किस तरह की किस कदर की ओपनिंग लेती है जिस तरह से फिल्म का जो बस चल रहा है उस हिसाब से देखने को मिल रहा है कि यह फिल्म फिलहाल जितनी कोविड के बाद फिल्में आई हुई है उसमें एक अच्छी खासी ओपनिंग ले सकती है सबसे बेहतर ओपनिंग ये फिल्म ले सकती है अब देखते हैं कि इन सभी चीज़ों के ऊपर कब तक का हमें क्लेरिफिकेशन मिलता है जब फिल्म रिलीज़ होगी तभी इसके अलावा इस फिल्म को अगर अच्छा वर्ड ऑफ माउथ मिला तो श्योर शॉट ये फिल्म करीबन ढाई करोड़ के आसपास का क्रॉस कलेक्शन कर सकती है वर्ल्ड वाइड तो अब देखने वाली बात ये है कि ये फिल्म किस तरह से जो चेंजेस के साथ दिखाई हुई है वह लोगों को पसंद आती है अगर पसंद आ गए तो ये श्योर शॉट दो सौ सौ करोड़ का कलेक्शन करेगी अदरवाइज़ ये फिल्म पचास से सत्तर करोड़ में निपट सकती है तो इस फिल्म के रिगार्डिंग इस तरह का ये सभी चीज़ें हो सकती है जितने भी एस्पेक्ट हैं वो मैंने शेयर किए हुए इसके अलावा बाद में इस फिल्म को थिएट्रिकल रिलीज़ के दो ढाई महीने के बाद ओ टी टी पर करवाया जाएगा थिएट्रिकल रिलीज़ के छः सात महीने के बाद सेटेलाइट के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा फिलहाल में ओ टी टी के ऊपर मेकर्स ने कोई अपडेट नहीं दी हुई है कि वो कौन से ओ टी और सेटेलाइट चैनल के ऊपर इस फिल्म को प्रीमियर करवाने वाले हैं लेकिन जो पहला पार्ट था उसको सेटेलाइट चैनल ओ के लिए स्टार नेटवर्क को बेचा हुआ था जहाँ पर स्टार गोल्ड के ऊपर इस फिल्म का जो पहला पार्ट है दृश्यम 2015 का उसको

इन सभी चीजों के ऊपर कब तक क्लेरिफिकेशन मिलती है लेकिन छह सात महीने के बाद जाएगी तो, इस तरह से फिल्म आप कर पाओगे। तो बस गाइज इस फिल्म के रिगार्डिंग जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो बातें थे मैंने शेयर कर दिए फिल्म कहाँ पे कैसे फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगी उसकी जानकारी दे दिए फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर भी जानकारी दे दिए फिल्म का एक टीजर ट्रेलर का ब्रेकडाउन वीडियो बनाया हुआ है उसका एक रिव्यू किया हुआ है उसके ऊपर प्रॉपर मैंने चर्चा दी हुई है साथ ही में इन सभी चीजों के साथ मैंने स्टार का सपोर्टिंग कास्ट के बारे में बातचीत की हुई म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी जानकारी दी हुई है तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू